सो मेरे ख्याल से अब हम शुरू कर सकते हैं. वी हैव आई कैन सी 171, 173 नाउ. सो द पीपल आर कनेक्टिंग वेरी फास्ट. तो हम आज की बात शुरू करेंगे. और मेरे लिए बहुत एक गर्व का अनुभव है कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली पे से हम आपसे बात कर रहे हैं. अमन जी, गुड इवनिंग. दुर्गेश, जय हिंद. राहुल, हेलो. सो आई विल स्टार्ट और आई सैल्यूट, आई कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग जुड़े हैं. और कमेंट्स हम आपके देखते रहेंगे. प्रश्न थोड़ी देर के बाद पूछिएगा. कोई चीज़ विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे. तो प्रश्न थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद शुरू करेंगे. बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए रजत जी को मैंने कहा था थोड़ा सा खुला हुआ टॉपिक रखें. सर्वप्रथम तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस फैमिली पेज पर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली पेज पर मैं आपसे कनेक्टेड हूँ. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रजत तिवारी जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का. साथ ही अंकित का, अंकित द्विवेदी, उनका फ़ोन आया था और वो पूरा पूरी जिम्मेदारी से इस पेज को चलाते हैं, और उन्होंने मुझसे बात की. और आज का ये सारा टेक्निकल जो सपोर्ट था किया, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ. और नेहा जी, प्रणाम. ब्रजेश, थैंक यू. आई एम इक्वली हैप्पी टू टॉक टू यू. नागेश, लव यू. आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू. सो टॉपिक का, जहाँ तक आपने देखा होगा, टॉपिक कंटेम्प्रेरी इश्यूज, आज के ज़माने में आज के समसामयिक जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक प्रश्न हैं, उनके सारे, उनके बारे में बात करना है. और हम धीरे धीरे बात करेंगे. परिवार है तो एक इन्फॉर्मल सा रहेगा. आप लोग भी मत, ऐसा मत सोचिएगा. मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप मत सोचिएगा कि आप एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट कर रहे हैं. हम एक परिवार के हिस्से हैं और आराम से खुल के बात करेंगे. फॉर्मल इनफॉर्मल सारी बातें होंगी. सबसे पहले तो मैं अनुपम जायसवाल, जय गोरखनाथ. मैं नाथ संप्रदाय के बारे में बात करूंगा. जय गोरखनाथ आपको भी. और मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा. मेरा नाम विनोद कुमार मल है और मैं उल्टा चलता हूँ. मैं 1986 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हूँ, गुजरात काडर से. और अभी शायद चार थोड़े दिन पहले ही मुझे DGP रैंक में प्रमोशन मिला. और मैं रहने वाला जो हूँ वो उत्तर प्रदेश का हूँ. मेरा मूल जिला जो है, मऊ जिले के मधुबन गांव से. मधुबन एक गांव है जो मऊ से करीब 30 किलोमीटर है. वहाँ मेरा गांव है कटकरा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ. और मधुबन वो जगह है जहाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक वहाँ पे प्रचंड विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, क्विट इंडिया मूवमेंट में. और उस दमन में बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई. तो क्रांतिकारी लोगों की धरती मानी जाती है. आज भी वहाँ पे मधुबन में एक शहीद स्तंभ बना हुआ है और उसमें जो 13 लोग शहीद हुए थे उनका नाम भी लिखा हुआ है. और 13 लोग वहाँ के पूरे समाज के हर हिस्से से, हिंदू मुसलमान हर जात के लोग उसमें शरीक है. ये दिखाता है कि ये क्रांतिकारी जो है ये सब जात पात से ऊपर होते हैं. शालू जी अमीला से हैं, मेरी पड़ोसन हैं. आई एम हैप्पी टू सी यू. अमीला बहुत पास में है. अमीला, घोसी, ये सब जगह बहुत, पुदौरी घाट बहुत पास में जगह हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू. उसके बाद में मेरे पिताजी इलाहाबाद, वो भी, मेरे पिताजी भी इंसिडेंटली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं. उन्होंने MCOM किया था और LLB किया था. और फिर वापस जा करके उन्होंने गोरखपुर जिले से करीब 40 किलो, गोरखपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर गोरखपुर जिले में ही एक जगह छोटी सी रूबाबा जा करके वहाँ पे पढ़ाते थे. वो हालांकि कॉमर्स पढ़े थे लेकिन वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे. और हम लोग भी वहीं पे बचपन से ही रहे और वहीं पढ़े, 12वीं क्लास तक वहीं पे पढ़े. ये जो जगह थी वो कुआनो नदी के काफ़ी पास थी. घाघरा भी वहाँ से थोड़ी दूर है. तो
कुआनो नदी वहाँ से पास है। कुआनो नदी की भी अपनी एक अपना एक इतिहास, अपनी एक संस्कृति है। और मेरा गांव दोहरी घाट से करीब 20 किलोमीटर, सर्वेश जी कह रहे हैं कि मेरा घर आपके गांव एक्चुअली करीब 20 किलोमीटर है वहाँ से। वहाँ से हम जाते हैं दोहरी घाट से तो सिपा सूरजपुर होते हुए मध्य बन जाते हैं। दूसरा रास्ता जब सड़क ख़राब होती है, उस इलाके में सड़क अक्सर ख़राब होती है, तो हम घोसी से घूम करके जाते हैं, वो थोड़ा लंबा पड़ता है। लेकिन रास्ता बहुत ख़राब हो तो आजकल सड़कें बरसात में काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो 12वीं करने के बाद में हम विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए। तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना रिश्ता आपको बता दूं, 1970 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया, और इलाहाबाद गांव से सीधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया। और एक तरीके से कहें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है मेरे लिए दुनिया के लिए एक विंडो थी। वहां से मैं दुनिया को देख सकता था, गांव में रहता था, आप जानते हैं गाँव की, और ख़ास करके ऐसे गाँव जो शहर से दूर हों बहुत ही सीमित होती है, और मैं उसी सीमित दुनिया से आया था। हालांकि वहाँ पर रहते हम थे, लेकिन मेरे पिताजी के कारण और वहाँ पे जो लाइब्रेरी थी उसके कारण और रेडियो के कारण, तीन चीज़ों के कारण, ब्रिजेश जी मेरे स्कूल का नाम ले रहे हैं, रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज हुआ, बिल्कुल सही, तो उन तीन चीज़ों के कारण ज़िंदगी बधी तो थी, लेकिन फिर भी कुछ हमने ज़रूर कोशिश की थी देश दुनिया को जानने की। उस ज़माने में रेडियो अक्सर सुना करते थे, अखबार उस समय वहाँ पे हिंदी अखबार आते थे तो आज और दैनिक जागरण आता था, लेकिन मेरे पिताजी इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली एक दूसरा अखबार था, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, वो मंगाया करते थे, एक दिन देर से आता था, लेकिन हम लोग जो है उसको पढ़ते जरूर थे। हालांकि अंग्रेजी बहुत कम स्पीड में पढ़ते थे, तो एक पैराग्राफ पढ़ने में 5 मिनट लग जाता था, लेकिन पढ़ते थे। और इलाहाबाद में एडमिशन मेरा हुआ 1977 में। गोरखपुर से त्रिवेणी एक्सप्रेस से हम इलाहाबाद पहुंच गए दोहरी घाट इंदारा होते हुए, और त्रिवेणी एक्सप्रेस इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम पे, संगम के नाम से है, आप जानते ही हैं। और कभी कभी अब जब हम बड़े हो जाते हैं और नए परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं तो कुछ बहुत ही सामान्य चीज़ें भी बहुत ही अनूठी लगने लगती हैं। ये त्रिवेणी नाम आज मैं जब सोच रहा था उन दिनों की बातें, तो त्रिवेणी नाम मेरे जहन में आया और मैं सोचा कि देखिए ये सब चीज़ें किस तरह से हमारी ज़िंदगी में एक तरीके से अंतर्निहित थी, कि त्रिवेणी को हम बहुत ही स्वाभाविक तरीके से लेते थे। उस ज़माने में शायद नामकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रेखा जी हमारे गांव की हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मित्र प्रकाश वेलकम, मित्र प्रकाश जी गोरखपुर के बहुत जाने माने सोशल वर्कर हैं। सो पूर्णिमा जी थैंक यू वेरी मच। तो त्रिवेणी जो है हम सोचते हैं किस तरीके से स्वाभाविक तरीके से हमारी संस्कृति और धर्म और सभ्यता किस तरह से हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। त्रिवेणी शब्द हम उस समय महसूस भी नहीं करते थे, लेकिन आज सोचता हूँ कि जब प्रश्न खड़े होते हैं नाम बदलने के, नाम नहीं बदलने के, वो सब, तो लगता है कि हम लोग काफ़ी पहले से हम काफ़ी इवॉल्व हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत ही विकसित है, हमारी सोच सामाजिक चेतना काफ़ी विकसित है। और कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी अपनी जो फेथ है, अपना जो बिलीफ है, उसको चिल्ला चिल्ला के बोला जाए। एक बहुत ही संजीदा तरीके से भी अपनी बातें और अपने विचार, अपनी भावनाएं कही जाती हैं। श्याम नारायण पांडे जी वहाँ के थे, देखिए कितनी बड़ी बातें हैं लोग बता रहे हैं। देखिए आई फील सो हैप्पी कि मतलब ये धरती की बात है, अपनी संस्कृति की बात है, अपने ट्रेडिशन की बात है, एंड देयर इज सो मच टू टेक प्राइड इन। और आज मैं मेजर जो बात करूँगा उसी बारे में मैं बात करूँगा कि हमारी ट्रेडिशन जो है कितनी समृद्ध है, एंड उसमें हमें गौरव लेना चाहिए। ऋचा सिंह वेलकम, ऋचा सिंह हमारी छोटी बहन है और बहुत ही प्रिय हैं, इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। पिछली बार इलाहाबाद आया तो मिला भी था, शी इज़ अ वेरी एनर्जेटिक यंग लीडर। राजनीति तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आती, लेकिन इनकी जो ऊर्जा है और जिस तरीके से ये अपने आप को कंडक्ट करती हैं सोशल लाइफ में, इट इज़ रिमार्केबल, एंड द वे शी सेट अप हिस्ट्री इन इलाहाबाद सिटी। सो शी इज़ रिस्पेक्टिव ऑफ किस पोलिटिकल लीडिंग के आप हैं, इस तरह के लोग जो है समाज के लिए गौरव होते हैं, नए बेंचमार्क सेट करते हैं सोसाइटी के लिए और हम सब के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, खासकर यंगस्टर्स के लिए, कि किस तरीके से अगेंस्ट एडवर्सिटीज़ भी हम आगे बढ़ सकते हैं और सामाजिक सफलता के नए नए
मानदंड स्थापित कर सकते हैं। तो 1977 में मैं आया, मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे, 1977 में आया और बीएससी में एडमिशन लिया इलाहाबाद में, और वहाँ पे फिजिक्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ग्रुप में एडमिशन लिया और एएन झा हॉस्टल में मुझे उस समय एडमिशन मिला। उस समय जो होता था वो, अभी तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए एएन झा हॉस्टल हो गया, उस समय सबके लिए था और सीनियरिटी भी वहाँ पे होती थी। और जब इलाहाबाद में पहली दफ़ा आया तो उस शहर से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं तो वैसे भी गांव से आया था, लेकिन इलाहाबाद का जो पूरा एक कहते हैं फील और जो एक कहते हैं ना एक आ जो उसका जो ग्रैंडियोर था वो बहुत प्रभावित। जैसे ही रामबाग से निकलिए मेडिकल कॉलेज दिखता है, फिर वो चौड़ी सी सड़क दिखती है, फिर आनंद भवन दिखता है, और सीधे मैं वहाँ से चला गया था। यहाँ पर फॉर्म भरते थे वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन यूनिवर्सिटी का है, आर्ट्स फैकल्टी में सीनेट हॉल के पास, वहाँ पे चला गया था। एंड इट वाज यू नो आई वाज सॉर्ट ऑफ टेकन ओवर, एब्सोल्युटली ओवर ऑट बाय द ग्रैंडियर ऑफ दैट बिल्डिंग, सीनेट हॉल देख करके और वो बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर देख करके आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड। एंड वो भी होता था, इम्प्रेस तो थे ही, लेकिन अपने छोटेपन का कि इतने छोटे से गाँव से आए कि वो किस तरीके से एडजस्ट करें उस बड़ी जगह पर, वो भी एक चैलेंज था। उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। फिर बाद में एडमिशन के लिए, जब एडमिशन हो रहा था थोड़े दिन के बाद, तो हम साइंस फैकल्टी में जो विजयनगरम हॉल है वहाँ पे एडमिशन चल रहे थे, और वो भव्य बिल्डिंग देख करके और म्योर टावर और उस देख करके बिल्कुल लगता था कि यू नो यू आर लिविंग द हिस्ट्री, यू आर लिविंग द हिस्ट्री ऑफ इलाहाबाद, एंड इलाहाबाद हैज़ अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल को ले लिए, या उससे पहले भी आप 2000 साल पहले 4000 साल पहले भी ले लीजिए, संगम इलाहाबाद का कोई एक कहने की पैरेलल ढूंढना बहुत मुश्किल है। और उस जगह ने एक तरीके से कहने की मेरे ऊपर एकदम आच्छादित हो गई और उसका बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर रहा। और ये उस समय था 77 में, आप लोग ज़्यादातर कई लोगों का जो स्प्रिंट है उनका जन्म भी नहीं हुआ, और आगे उस समय वो था इमरजेंसी के बाद का टाइम था, इमरजेंसी हटा दी गई थी, नए चुनाव हो गए थे, नई सरकार बन गई थी। लेकिन एक चीज़ जो उस समय सातवें दशक में थी कि आज़ादी के बाद 25-30 साल हुए थे और उस समय समाज में आदर्शवाद था, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य समाज में अभी भी थे, सादगी मूल्य था, ईमानदारी मूल्य था। वेलकम अरविंद नारायण मिश्रा जी, आप उत्तराखंड में हैं, वेलकम है। तो वो मूल्य समाज में थे और थोड़ा सा एक तरीके से कह लें उस समय समाज में यहाँ पे एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म का भी असर हुआ करता था। उस समय चूँकि रशियन रिवॉल्यूशन दूसरे दशक में हुई थी, फिर चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुई थी, और हिंदुस्तान में भी समाजवादी सोच और एक साम्यवादी सोच मौजूद थी। और मैं खाली बता रहा हूँ, मैं किसी सेक्ट को या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस समय आप इलाहाबाद में जाते थे तो ये सब चीज़ें दिखती थी। मैं खाली उस समय का माहौल एक तरीके से रिक्रिएट कर रहा हूँ जिससे आप उस हिस्ट्री से, उस ट्रेडिशन से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ट्रेडिशन लंबी होती है और ये भी हो सकता है कि उस ट्रेडिशन में कुछ चीज़ें आपको पसंद आएँ, कुछ चीज़ें पसंद ना आएँ, लेकिन उस ट्रेडिशन को जानना ज़रूरी होता है। दीवांशु जी कह रहे हैं हॉस्टल के बारे में बताएं, आई सडनली गेट बैक टू यू, एन जा हॉस्टल में रहता था, बड़ी रैगिंग शुरू में होती थी और देर रात तक रैगिंग होती थी, भगवान की दया से अब सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, एंड दैट चेंज इज़ फॉर बेटर। रैगिंग कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हुआ करती थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत मुश्किल होती थी, स्ट्रेस बहुत होता था, खास करके मेरे जैसे लोगों को जो कि गाँव से आते थे, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है, अंग्रेजी नहीं बहुत समझ में आती है, वो जो शहरों के जो एक सोशल नॉर्म्स होते हैं वो भी नहीं, हम लोग तो हेलो हाय भी उसमें वो नहीं बोलते थे, हम लोग तो भोजपुरी में बातें करते थे गाँव में, का हो का हाल चाल बा, इस टाइप से बात करते थे। तो इन गो टू अ डिफरेंट कल्चरल सेटिंग दैट ऑल्सो कॉजेज बिट ऑफ स्ट्रेस। और एक दूसरा स्ट्रेस था मीडियम का, हम हिंदी मीडियम से आए थे और अंग्रेजी मीडियम में जा रहे थे, तो वो भी एक स्ट्रेस था, क्लास में जाते थे तो। ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि इट इज़ रियली प्राउड टू ग्रीट यू सर, बिकॉज यू ऑल डिजर्व मच मोर देन व्हाट यू आर हार्ड वर्किंग पुलिस डिपार्टमेंट, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू पुलिस लेटर। तो मैं ये कह रहा था कि उस तरह के स्ट्रेस होते हैं, और आप लोगों में भी जो यूनिवर्सिटी में आए होंगे ऐसी मेरी तरह की बैकग्राउंड से, गांव से या हिंदी मीडियम से या जो अवध के गांव के इलाके से या पूर्वांचल से आए होंगे, दूसरे ब्रज के इलाके से या रोहिलखंड के इलाके से, वो सब आए होंगे। तो कोई पूछ रहा है कि आपकी अंग्रेजी कैसी है, अंग्रेजी भी खराब ही है आज भी, उतनी ख़राब जितनी पहले थी। खैर
तो इस तरह के स्ट्रेस थे, और इस स्ट्रेस से कोप अप करना एक अपने आप में चैलेंज था। मैं बहुत ही ईमानदारी से एडमिट करूंगा, क्योंकि उस जहां पे ऐसे लोग भी थे जो कि बहुत ही समृद्ध परिवार से, कॉन्वेंट से, और आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल कॉन्वेंट से पढ़ के, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मतलब उसमें एक अंग्रेजी के लिए एक समय दिमाग में थोड़ा सा रहता था कि भाई अंग्रेजी थोड़ा दिमाग में रहता था, ये नहीं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता था। ये हमें तो गांव से आया तो पता भी नहीं था कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई भी होती है, तो आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। नागेश जी का कॉम्बिनेशन भी PMS है ऐसा बता रहे हैं। जब मैं इलाहाबाद में आया और हॉस्टल में एडमिशन लिया, इट वॉज फर्स्ट स्टेप टू द आउटसाइड वर्ल्ड। वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई, और वो यात्रा थी ज्ञान की यात्रा थी, सीखने की यात्रा थी। और उस INJ हॉस्टल, साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, कटरा, यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ की चाय की दुकानें और वहाँ किताबों की दुकानें, लक्ष्मी थिएटर, ये सब जैसे एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। और उस समय ट्रैफिक कम हुआ करता था, मुझे याद है कि जो सिविल लाइन्स को सड़क जाती थी बहुत चौड़ी होती थी और ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। शाम होने के बाद मेरे 8-9 बजने के बाद में जो सीनेट हॉल के बगल वाली रोड है वो शांत हुआ हो जाया करती थी, और जाड़ों में तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाया करता था। कभी कभी हम लोग चल के जाते थे प्रयाग चाय पीने के लिए, तो वो सन्नाटा अभी भी मेरे जहन में, वो जाड़ों में ठंड रातों में वो जो सन्नाटा वहाँ पे होता था, और बड़ा खूबसूरत सन्नाटा होता था। सन्नाटा मतलब वो एक तरीके से अपने अंदर एक प्रकार की खूबसूरती जो शायद यूरोप के शहरों में होती है, उस तरह की खूबसूरती वहाँ पे इलाहाबाद में वो देखने को मिलती थी। पिछले साल मैं इलाहाबाद आया था और एक दिन, आधे दिन रहा था, मेरे ख्याल से 23 सितंबर को आया था। ऋचा को याद होगा, ऋचा मेरे साथ थी। हम साइंस फैकल्टी गए थे, आर्ट्स फैकल्टी गए थे, INJ हॉस्टल भी गए थे, और गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट भी गए थे, वहाँ पे एक लेक्चर भी था। और वेलकम अरविंद जी, अर्चित जी, पूछ रहे सीनियर्स के साथ कुछ अनुभव, प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे कि बहुत सारे INJ में तो बहुत ही, उस समय INJ इज वॉज अ वेरी प्रेस्टिजियस हॉस्टल, बहुत लोग सिविल सर्विसेज में जाते थे, तो बड़े बड़े लोग हर साल 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग जो है सिविल सर्विसेज सेलेक्ट होते थे। तो इट वॉज वेरी वेरी इम्पोजिंग एटमोसफियर। और थोड़ा सा कभी कभी हेमंत जी कह रहे हैं वो लालनपुर से हैं, और राइट। इस तरह से अनुभव थे, और बड़े लोगों को देख करके यू ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड। हालांकि उन्होंने रैगिंग भी की तो इट वाज नॉट रियली सो गुड, बट टॉकिंग अबाउट देयर अचीवमेंट्स, इट वाज ऑलवेज, मुझे याद है उस समय अनिल स्वरूप जी IAS में हुए, आलोक स्वरूप, वसंत प्रताप सिंह, RP श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग उस समय थे मेरे बैच से। आदित्य वाजपेयी रेलवे अकाउंट सर्विस में है, अरविंद रे, ही वेंट टू IAS, एंड लॉट ऑफ पीपल दे वेंट टू सिविल सर्विसेज, एंड नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, इवन लाल बहादुर सिंह है जैसे वो राजनीति में हैं, एंड ही हैज़ हिज ओन ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड ही हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल फॉर द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो ऐसे बहुत लोग हैं, अनिल सिंह दिख नहीं रहे हैं, अनिल सिंह भी थे हमारे साथ में। और एक वहाँ पे ये था कि छोटा सा क्लास था हमारा, PMS ग्रुप 30 से करीब लोगों का था, उसमें से करीब 8-10 लोग हमारे हॉस्टल के ही थे, तो बड़ा एक होमली टाइप का क्लास में भी माहौल रहता था। और थोड़ा बहुत तो वहाँ पे, जैसा मैं आपको बताऊंगा कि थोड़े समय के बाद में, फर्स्ट ईयर मैंने पूरा किया, उसका सेशन देर होने लगा, फिर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ। ये 1978 की बात है, और फिर मैंने IIT का इम्तहान दिया और मैं IIT बनारस चला गया। लेकिन वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी से सीखी। फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा, बहुत मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स, फिर फिजिक्स में मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, ये सब, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब सारी चीज़ें देखी। थोड़े दिन BSc पार्ट टू में भी गया, तो उसमें भी ऑप्टिक्स और ये सारी चीज़ें, जो बाद में सिविल सर्विसेज में काम आया। तो वहाँ पे मेरा जो रहना हुआ इलाहाबाद में बहुत ही उपयोगी रहा। बट मैं छोटे समय इलाहाबाद में ज़रूर रहा, करीब 2 साल के आसपास, लेकिन इलाहाबाद का इम्पैक्ट और इलाहाबाद से कनेक्टिविटी मेरी किसी से कम नहीं हुई। और आज भी इलाहाबाद से, यूनिवर्सिटी से और हॉस्टल से बहुत सारे दोस्त हैं जिससे आज भी मेरा संपर्क बना हुआ। आपका गृह जिला कौन सा है? मैंने बताया था मऊ है, अवधेश जी आप थोड़ा देर से आए, मैं मऊ का रहने वाला हूँ, फिलहाल गोरखपुर में रहता हूँ। और उस शहर में मैं गया, वो सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थी,
यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स थी, लॉयर्स का शहर था, एक बड़े इतिहास का शहर था, वो एक शहर था जिसमें नेहरू का इतिहास था, फिराक गोरखपुरी का इतिहास था, आनंद भवन का इतिहास था, ये बहुत थैंक यू रिचा। रिचा अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर रही हैं, जो पिछले साल गई थी, हम लोग छात्र संघ भवन भी गए थे, सही 8th फैकल्टी में, और पैदल चले थे, दैट वाज रिमार्केबल थिंग, एंड देयर लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई हैड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन एंजा हॉस्टल, अबाउट 20 ऑफ देम, वेरी ब्रिलियंट टैलेंटेड पीपल, आई हैड डिस्कशन विद देम अबाउट सोसाइटी, अबाउट समथिंग कॉल्ड बुद्ध से कबीर तक, अगर समय रहा तो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में मैंने बात की थी, एंड इट वॉज रियली यू नो गोइंग बैक इन टू टाइम लिविंग यू नो समथिंग विच आई लिव मोर देन 40 ईयर्स बैक, एंड लॉट ऑफ मेमोरीज रशिंग थ्रू कंटिन्यूसली, इलाहाबाद में उस समय था, कंटिन्यूसली आप जोड़ रहे हैं पास्ट से, एंड दैट वॉज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस। इलाहाबाद हैज चेंज्ड अ लॉट, इट हैज बिकम मच मोर आई वुड से मॉडर्न, इफ आई कैन से, नॉट आई एम नॉट श्योर दैट इज मॉडर्न और नॉट, बट लॉट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक, लॉट ऑफ पार्क्स हैव बीन क्रिएटेड, तो और उस समय लगातार मैं 1977 के इलाहाबाद से उसको जोड़ रहा था, और सिविल लाइन्स की याद है जब हम लक्ष्मी में सिनेमा देखते थे, लक्ष्मी कभी भी चले जाते थे, एक रुपये 90 पैसे में फर्स्ट क्लास में सिनेमा होता था, फिर पैलेस सिविल लाइन्स में था, प्लाजा था, फिर उधर विश्वम्भर था, संगीत, ये सब सिनेमा थे, हम लोग जाया करते थे, बहुत बहुत जाते थे, और किसी कोई पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालय के सीनियर लोगों से मुलाकात होती नहीं, बिल्कुल मुलाकात होती है, इलाहाबाद के पढ़े लोग हर जगह पे हैं, हर शहर में, हिंदुस्तान के, विदेशों में, तो मुलाकात होगी है। अब कुछ इश्यूज पे आते हैं, मैं अपने बारे में काफ़ी बोल गया और इलाहाबाद के बारे में भी बातें हुई, और आगे अब बढ़ते हैं इशूज़ के बारे में बात करते हैं, ख़ास करके युवाओं से संबंधित इशू। वेलकम अरुण जी, डॉक्टर अरुण जी, यू आर मोस्ट वेलकम। छात्र जीवन पढ़ाई के दौरान क्या मोड़ है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्या मोड़ है। एक्चुअली पढ़ाई जो है, सत्यम जी पूछ रहे हैं कि आप आईटी बीएचयू से क्या किए हैं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की थी। पढ़ाई के दौरान निश्चित रूप से, रजत जी सवाल पूछ रहे हैं क्या मोड़ आया, देखिए एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अंग्रेजी से, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांजिशन करना, उस नए माहौल को एक अडॉप्ट करना, ये सब भी लर्निंग है। दूसरे लोगों से सीखना, दूसरी भाषा सीखना, वहाँ पे जैसे इलाहाबाद की भाषा भोजपुरी नहीं है, अवधी है, तो वहाँ पे वो भाषा को सीखना, वहाँ के लोगों के तौर तरीके सीखना, वो सब सारी चीज़ें सीखने की होती हैं। स्ट्रेस कोप अप करना, रैगिंग का स्ट्रेस था, हर चीज़ का स्ट्रेस कोप अप करना, क्योंकि देखिए आपका आईक्यू तो एक चीज़ होती है, वो ईश्वर ने दिया है, आपका इंटेलिजेंट कोशेंट आपके पास में है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर एटीट्यूड, योर पर्सनैलिटी, हाउ यू लर्न टू कोप अप विद द कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, और वही चीज़ जो है वो आपकी क्षमता जो होती है वो आपको आगे ले जाती है। और इलाहाबाद से मैंने काफ़ी ये सीखा, और बहुत कम उम्र में, अनफॉर्चुनेटली आई वाज जस्ट 16 व्हेन आई डिड माय 12th, एंड इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। वेलकम प्रशस्ति, प्रशस्ति हमारे बुद्ध से कबीर तक की बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, शी इज़ हियर, शी इज़ ज्वाइंट, तो वो सब दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस। और एक और भी कहूँगा, हालांकि मैंने लंबा पढ़ाई नहीं किया, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स तथा स्टैटिस्टिक्स की जो पढ़ाई मैंने वहाँ पे की, वो जब मैं बीटेक कर रहा था तब काम में आया, फिर बाद में मैं जब सिविल सर्विसेज कर रहा था तो फिजिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में फिजिक्स होता है लेकिन थोड़ा सीमित होता है, इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता था, तो जो इलाहाबाद में मैंने थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ा था, जैसे मैं फिजिक्स में बात करूं तो आपको कार्नो इंजन है, या रेडिएशन के वीन्स फॉर्मूला है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें, जैसे आपको ग्रुप थियरी है अलजेब्रा में, वो सब सारी चीज़ें हैं, तो वो इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाई जाती इतनी, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत काम में आई। और बाद में मैं जब पीएचडी भी कर रहा था, बाद में उसका भी जिक्र करूंगा, तो उस समय स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ा हुआ था बहुत काम आया। आप लोग सब लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं, कहीं भी रिसर्च करें स्टैटिस्टिक्स के बिना रिसर्च नहीं हो सकता। खैर मैं अब आता हूँ, आई विल टॉक अबाउट द यंग पीपल, देयर इशूज, देयर प्रॉब्लम्स। मित्र प्रकाश कहें युवा परेशान हैं,
पिछले दिनों में जब मेरा अभी पिछले 4-5 दिन थोड़े दिन पहले मेरा प्रमोशन आया था, बहुत सारे अप्रिसिएशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे आप लोगों से मिले और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी फेसबुक पे मिली। और मैं फेसबुक रिक्वेस्ट जब देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा प्रोफाइल में जाता हूँ, क्योंकि आई होप यू नॉट माइंड इफ आई ऑनेस्टली टेल दिस, बिकॉज आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद जिससे मैं कुछ सीख सकूँ, जान सकूँ, जिनसे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, भले वो उम्र में छोटे हों, 20 साल के 18 साल को, आई डोंट माइंड दैट, बट आई लाइक टू हैव पॉजिटिव पीपल अराउंड हु यू नो हु आर लर्नर्स हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माई नॉलेज और देयर रिस्पॉन्सेज टू द सोशल इशूज। तो मैं जब देख रहा था एक चीज़ मुझे जो दुखी दिखी कि उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग दिखे जो कि पॉलिटिकली अलाइंड थे, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड थे। और पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड होना कोई समस्या की बात नहीं है, वो हर आदमी में राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में भी, और जुड़े वो ज़रूर होना चाहिए। और एक हम प्रजातांत्रिक देश हैं और स्वतंत्रता भी है इस तरह के विचारों से जुड़ने की, जानने की, और अपने समझ से जो ठीक हो पॉलिटिकली उसको आगे बढ़ाने की। लेकिन एक चीज़ जो मुझे दिखी वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में सोचता रहा कि पॉलिटिकली कमिटेड अलाइनमेंट मैंने देखा कि बहुत सारे आप लोगों में से हैं, जैसे रजत जी का सवाल है, मैं उसके ऊपर आऊँगा थोड़ी देर में, सवाल थोड़ा सा रोकें आप लोग, नए सवाल, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। तो कंप्लीट अलाइनमेंट जो होता है वो थोड़ा सा लिमिटिंग होता है, क्योंकि आप 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल में ये जो उम्र होती है सीखने की होती है, और कई बार हम गलती कर बैठते हैं, मान लेते हैं कि हम जो जानते हैं वो सही है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इलाहाबाद में, और शुरू में जब BHU भी गया था, तो मैंने एक किताब पढ़ी यशपाल की, बहुत जाने माने लेखक, मेरी तेरी उसकी बात, और उसमें गांधी की काफ़ी टीका टिप्पणी की गई थी, और तो मैंने भी उसके ऊपर से कुछ अपने विचार बनाए। और लेकिन जैसे जैसे समय बीता मुझे लगा कि उस समय मैंने जो सोचा था वो शायद सही नहीं था, और गांधी को एक दूसरे तरीके से मैंने देखने समझने की कोशिश की, और मुझे लगा कि गांधी आज तक पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे महान पुरुषों में है। तो मैं ये कहूँगा कि उस समय आप जो कमिटमेंट कर देते हैं कि आप लीडर तो नहीं बनते लेकिन आप पोलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू बन जाते हैं, और मुझे थोड़ा क्षमा करिएगा भाषा इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं साफ बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जब पिछलग्गू हो जाते हैं पोलिटिकल पार्टीज़ के, तो उनका दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग बंद हो जाता है तो खुले मन से चीज़ों को, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक पोजीशन लेगी, आप भी उसकी पोजीशन लेगी, तो आपका एक खुला जो दिल है, मन है, जो सोच है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपकी पार्टी का कोई गलत भी करेगा तो आप नहीं बोलिएगा, आप चुप हो जाइएगा, तो ये चीज़ स्वस्थ नहीं है, खास करके उस उम्र में। आप बड़े हो जाइए, आप पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज़ फाइन, पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन करिएगा तो आप पोलिटिकल पार्टी की भाषा बोलिएगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, एज ए बिगिनर, आप खुल के दुनिया को देखिए, आप हर चीज़ को लेफ्ट विंग, राइट विंग, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, जो पढ़ना है पढ़िए, वो पढ़ना ज़रूरी है। और अब मैं यकीन दिलाऊं कि अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हम करते हैं, गलत सोचते हैं, आप एक लॉजिकल तरीके से दुनिया को देख सकेंगे। मैंने मार्क्सिज्म पढ़ा, इंडियन फिलॉसफी पढ़ी, और अंत में रास्ते से, अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए, आज शायद बुद्ध मेरे लिए आइडियल है, गांधी आइडियल है, विवेकानंद आइडियल है, कबीर आइडियल है, बहुत लोग आइडियल है मेरे लिए, लेकिन वो रास्ता से गुजरना जरूरी है, वो दिमाग बंद कर देने वाली चीज़। तो ये चीज़ मैं आपको जरूर करूँगा कि अपना इकोसिस्टम आप रिजिड मत बनाइए, उस खुला दिमाग रखिए। तो वो एक बात मैं कहूँगी, रिजिडिटी, क्योंकि रिजिडिटी जो होती है फिर वो एग्रेशन में आप तर्क वितर्क करने लगते हैं, आप बाइनरीज में सोचते हैं ये सही है या ये गलत है, बीच की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज और कल्चर और रिलीजन की बात करूँगा। बुद्ध थे, हमारी जो परंपरा रही है वो तर्क की परंपरा रही है, और जब हम रिजिड हो जाते हैं तो अपनी परंपरा छोड़ देते हैं। आप पहले देखिए, आज से 2500 साल पहले जाइए, 2500 साल पहले बुद्ध है, बुद्ध तर्क में मानते थे। बुद्ध क्यों पॉपुलर हुए, इतना ज़्यादा लोगों में उनकी स्वीकारिता क्यों बढ़ी, इसलिए कि तर्क पे उनका जो दर्शन था तर्क पे आधारित था। जो लोग फिलॉसफी के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, जो बुद्ध की फिलॉसफी थी वो थियोरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ होती है वो किसी कारण से होती है, वो कारण नहीं होगा तो अगली चीज़ नहीं होगी, और उसको एक प्रतीति समुत्पत का सिद्धांत भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि बुद्ध का जो दर्शन है अनित्यवाद का है, हर क्षण बदल रहा है, एवरी मोमेंट इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, वर्ल्ड इज
फ्लक्स ऑफ चेंजेस, हर क्षण बदल रहा है, अनित्यवाद है, चेंज हो रहा है, चेंज इज ट्रूथ, चेंज इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। और चेंज में हर एक क्षण पिछले क्षण पे आश्रित है, मतलब तर्क पे आधारित है। तो बुद्ध जो है तर्क की बात करते हैं, उनका फेमस जो फिलोसॉफिकल पॉइंट है, अंग्रेजी में मैं कहूंगा, इफ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, इफ दिस सीजेस टू एग्जिस्ट दैट ऑल्सो सीजेस टू एग्जिस्ट। अगर अभी ये चीज नहीं है तो अगला क्षण इससे अलग नहीं हो सकता, ये है इसलिए आगे का क्षण होगा, ये नहीं है तो आगे का क्षण नहीं होगा। और वो तर्क की कसौटी पे कसते थे किसी भी चीज को। प्रश्न करना ही किसी भी एक जीवंत समाज के लक्षण होता है। आप हर जगह प्रश्न करिए, सोशल वैल्यूज पे प्रश्न करिए, पढ़ाई लिखाई पे प्रश्न करिए, व्यवस्था के सिस्टम के सामने प्रश्न करिए। आपको कोई चीज लगती है गलत तो कर्म कांड अगर कहीं दिखता है तो उसको लगता है कि आपको तर्कपूर्ण नहीं है तो उसके सामने प्रश्न करिए। मैं तो कहता हूं हम पुलिस में हैं, हमें जब लोग सवाल पूछते हैं तो मुझे संतोष होता है कि चलो किसी की समस्या थी, उसने सवाल पूछा कि ये चीज गलत हुई सही हुई, और ये चीज सिस्टम को भी मौका देती है अपने आप को सुधारने का। आप सरकार के सवाल भी, सरकार के सामने भी सवाल खड़े करिए, आपका काम है। आप अपने अंदर चेतना लाइए गलत और सही देखने का, बंद होके मत सोचिए, सवाल पूछिए, और करेक्शंस होते हैं। आप देखिएगा कि पिछले सालों में आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ, आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और बात खत्म हुई, इंडियन पिनल कोड आ गया और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, वहीं पे बात खत्म हो गया। आजादी के बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, महिलाओं को अधिकार को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, दलितों के अधिकार को लेकर के अनटचेबिलिटी वगैरह हटाया गया, प्रिवेंशन ऑफ अल्ट्रोसिटी एक्ट, अल्ट्रोसिटी ऑन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट, इट केम इन 1989 एज लेट एज 42 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम आफ्टर 2000, राइट टू एजुकेशन आई थिंक इट केम इन 2013, सच इंपॉर्टेंट लॉस केम सो लेट। तो यो इसीलिए आए इतने महत्वपूर्ण कानून कि लोगों ने सवाल पूछे। तो आप सरकार से सवाल पूछते रहिए सर, और सरकार को सवाल पूछने का मतलब नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, ये सरकार को भी सुधरने का मौका देता है, मिलता है, सरकार अपने आप को इंप्रूव करती है, करेक्ट करती है, कहीं गलती, बेरोजगारी, भ्रष्ट शिक्षा से अपराध का क्या संबंध है, खुला हुआ संबंध है, अभी तो आप देखे ही बहुत सारे यूपी में तो अभी इन दिनों बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं, मैं मेरे कुछ उसमें कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बिल्कुल सब सतर्क हैं। और दूसरा ये कि जो मैं रिजिडिटी की बात कर रहा था कि हिंदुस्तान एक विविधताओं का देश है, कोई एक चीज़ कहीं पे सत्य नहीं होती है। और ये चीज़ अपनी, मैं आज ये बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, अपने जो अपने वेदों में लोग वेदों की भी बात करते हैं और मानते हैं कि वेद में सब कुछ ऐसा है कि कुछ मान ही लो, ऐसा नहीं है, वेद में भी प्रश्न खड़े करना सिखाया गया है। अगर आप ऋग्वेद का नासदिया सूक्त लें, मेरे पास उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊँगा, उसकी वो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है, दुनिया का मिथिलेश जी मूर्तियों के बारे में कुछ कह रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं और मैं थोड़ा सा उतना तेज़ी से जवाब नहीं दे रहा। तो नासदिया सूक्त है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में श्लोक लिखे गए हैं और 7 श्लोक हैं, और 7 श्लोक में वो कह रहा है, वो प्रश्न पूछता है कि दुनिया है क्या। इन द बिगनिंग एरोज डिजायर दैट प्राइमल सीड बॉर्न ऑफ द माइंड, द सेजेस हु सर्च देयर हार्ट विद विजडम डिस्कवर्ड द लिंक ऑफ एग्जिस्टेंस टू नॉन एग्जिस्टेंस, हु रियली नोज एंड हु कैन से व्हेंस डिड इट ऑल कम एंड हाउ डिड क्रिएशन हैपन, कैसे दुनिया बनी, ये सवाल पूछ रहे हैं। द गॉड देमसेल्व्स आर लेटर देन द क्रिएशन, भगवान पहले आया, दुनिया पहले बनी, सो हु नोज ट्रूली व्हेंस दिस ग्रेट क्रिएशन स्प्रैंग। आज फिजिक्स वाले कहते हैं बिग बैंग से हुआ था, शायद उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज से 2500-3000-4000 साल पहले वैदिक काल में भी, जो ऋग्वेद सबसे पुराना मानते हैं, उसमें भी ये प्रश्न खड़ा करने की परंपरा, तो आज भी प्रश्न खड़ा करिए, प्रश्न हमेशा खड़ा करते रहिए, आपका समाज मजबूत बनेगा, प्रश्न खड़ा करने से समाज कमजोर नहीं होता है। और आखिरी जो उसकी लाइन है जो इसकी, हु नोज व्हेंस दिस क्रिएशन हैड इट्स ओरिजिन, ही वेदर ही फैशन्ड इट और वेदर ही डिड नॉट, ही हु सर्वेज इट ऑल फ्रॉम द हाईएस्ट हेवन, ही नोज और मे बी इवन ही डज नॉट नो। अगर आप आखिरी पंक्ति देखें तो भगवान के सामने, भगवान की क्षमता के बारे में भी प्रश्न खड़ा कर दिया गया। तो ये जो चीज है, कई सारे सवाल हैं, मैं लेना चाहूँगा सवाल। और यूपीएससी में अंग्रेजी भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण था, मुझे नहीं लगता कि अब भाषा महत्वपूर्ण हुई,
अब तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी उसमें आते हैं। मूर्ति के नेहरू की प्रतिमा को कुछ दिन पहले इलाहाबाद में अपमानित किया गया और आज के दिनों में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थापित करके मैं चाहता हूँ। देखिए, किसी भी महापुरुष की प्रतिमा को अपमानित करना ठीक नहीं है। हमारे लिए मालवीय जी भी हमारे लिए महान हैं, नेहरू जी भी महान हैं, और इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये रिजिडिटी तो आती है तो इस तरह की चीज़ आती है। आप नेहरू को समझ सकते हैं, उनके विचार आपसे अलग थे। मालवीय जी की मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन नेहरू की भी उतनी इज्जत करता हूँ। और यही चीज़ मैं बार बार जो रिजिडिटी की बात कर रहा था, यही बात कर रहा था। आपके विचार किसी से अलग हो सकते हैं, लेकिन अपमानित मत करिए। अपमानित करके भारत को आप छोटा करते हैं, भारत की परंपरा को छोटा करते हैं, गांधी को छोटा करते हैं। मैं जैन दर्शन की बात करता हूँ। लीजिए, अब मैं अचानक थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट करता हूँ। जैन दर्शन क्या है? अगर आप में कोई फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो उन्होंने एक तीन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैन दर्शन में। एक है अनेकांतवाद, दूसरा है स्यादवाद और तीसरा है सप्तभंगी नय। अनेकांतवाद क्या कहता है? इट सेज द ट्रूथ इज मेनी, सत्य एक नहीं अनेक है, अनेकांतवाद हुआ। तो कोई कहता है कि नेहरू जी सही थे और कोई और गलत था, वो गलत है। कोई कहता मालवीय जी सही थे और नेहरू गलत थे। सत्य सबका मिला जुला होता है, और महावीर और जैन दर्शन में कहते हैं कि सारे सत्य मिलाकर ही पूरा सत्य बनता है। तो नेहरू को छोटा करके कोई बड़ा नहीं हो जाता। मालवीय जी को बड़ा होने के लिए नेहरू को अपमानित करने की जरूरत नहीं है, या नेहरू जी को बड़ा करने के लिए मालवीय जी को अपमानित करने, दोनों साथ में थे, दोनों कांग्रेस में थे, दोनों स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल में थे। रस्ते सोच थोड़ी अलग हो सकती है, जो स्वाभाविक है। कोई भी होशियार इंसान होगा तो सोच अलग होगी। मूर्ख होते हैं जो फॉलो करते हैं भीड़ की तरह से। आप मूर्ख बनना चाहते हैं, भीड़ बनना चाहते हैं, या एक जागृत सामाजिक चेतना वाला इंसान बनना चाहते हैं? और नेहरू, रीड हिज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीड हिज ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इफ यू आर नॉट रेड प्लीज रीड इट। मैं 19 साल का था तब मैंने वो दोनों किताब पढ़ी थी। मैं न तो किसी पार्टी में था, मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं था, हम किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन जब वो दोनों किताबें पढ़ी, मेरी दुनिया के बारे में सोच बदल गई। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जब नेहरू ने लिखा है, और किस तरह से लोगों की समस्याओं के बारे में लिखा है, बुद्ध के बारे में लिखा है, महावीर के बारे में लिखा है, उसमें राजनीति नेहरू जी ने नहीं लिखी है, लेकिन एक एनालिटिकल माइंड नेहरू का आपको देखना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे। तो हमारा जो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं थी, सब लोग साथ लड़े थे, इसमें कोई अलग बातें नहीं हैं। और मैं ये कह रहा था कि नेहरू का कंट्रीब्यूशन है, नेहरू की परंपरा का कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से आज अलग दिखते हैं। और यह अलगाव आज नहीं हुआ है, 1947 में जब हमने चुना, हमारा संविधान जो चुना, एंड इट सेज वी आर अ सेकुलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक। जब हम वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, वी टॉक अबाउट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वी टॉक अबाउट लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, वी चोज अ डिफरेंट पाथ, and that is what made India great. Don't take our constitution for granted. Don't take anyone for granted. Don't take Sardar Patel for granted. Don't take Nehru for granted. Don't take, वहीं पे आप गलती करते हैं, ये सारे लोग महान थे, सुभाष चंद्र बोस, सब लोग महान थे, कई लोग हैं, मौलाना कलाम आजाद थे, बहुत सारे लोग थे उस समय। और उनको अपमानित करना, आप अपनी पूरी एक विरासत को अपमानित करना है। जो लोग करते हैं वो छोटे होते हैं, और इस तरह से किसी भी देश को बड़ा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में कौशल जी पूछ रहे हैं कि अक्सर आरोप लगते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर थानेदार से पैसा लेते हैं, क्या यह सच है? यूपीएस स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कार्डर सबसे बेस्ट होगा? कार्डर का मतलब क्या आप राज्य से कह रहे हैं या सर्विस से कह रहे हैं? सारी सर्विसेज अच्छी हैं यूपीएससी से, और ऑल सर्विसेज, ऑर्डिनरी सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, सेंट्रल सर्विसेज, इनकम टैक्स, कस्टम, फॉरेन सर्विस, ब्रिलियंट सर्विसेज, ऑल ऑफ देम हैव lot of challenges to
ऑफर बहुत अच्छा करियर है। और एक बात मैं बताऊँ, सिविल सर्विसेज में जो करियर आपको मिलता है इट इज़ अनमैच्ड। जो अनुभव आपको मिलता है वो शायद दूसरी जगह पे और कहीं आपको ना मिल सके। तो अब मैं वापस स्टडी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहें, प्लीज़ गाइड। गुजरात में तो सरदार पटेल जी का स्टैचू लगा है, अगर इसकी जगह कोई टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, पीपल कैन हैव ओपिनियंस और ओपिनियन, ऑल डिफरेंट ओपिनियंस मैटर। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो सिविल सर्विसेज में मोटिवेटेड रहने के बारे में बात करें, मैं सिविल सर्विसेज के बारे में आता हूँ, मैं थोड़ी सी 5 मिनट लूँ और समय अपना बात पूरा कर लूँ, फिर सिविल सर्विसेज के बारे में हम जरूर बात करेंगे। हमारे मैं ये कह रहा था जो कि आज के समाज में जो एक तरीके से आज देखिएगा कि हिंसा बढ़ रही है, एग्रेशन, और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम रजत तिवारी जी कहना चाहते हैं कि इलाहाबाद सिटी आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। मैंने वही कहा आपसे जो बात कर रहा था कि किस तरीके से वहाँ का माहौल मेरे साथ जुड़ा हुआ, वहाँ की हेरिटेज जो यूनिवर्सिटी में जो इतने जाने माने प्रोफेसर्स थे, मतलब इस यूनिवर्सिटी में कदम रखते हुए लगता था कि आप एक ऐसी जगह पर जहाँ इतने विद्वान थे। जैसे मैं साइंस फैकल्टी की बात करूँ, साइंस फैकल्टी में हमारे मैथमेटिक्स के जो प्रोफेसर्स थे उसमें एक बीएल शर्मा हुआ करते थे। व्हाट अ रिमार्केबल पर्सन एंड व्हाट इज नॉलेज ऑफ अलजेब्रा, क्या व्यक्तित्व था उनका, धोती कुर्ता पहनते थे और एकदम विद्वान थे। फिर एक प्रतिमा श्रीवास्तव थी, हमको पढ़ाती थी, रियल एनालिसिस पढ़ाती थी। फिजिक्स में एमसी शर्मा जी थे, प्रोफेसर एमसी शर्मा है, उनको थर्मल फिजिक्स पढ़ाते थे। और इतने बड़े बड़े, और बाकी आर्ट्स फैकल्टी में तो आप लोग जानते हैं, आर्ट्स फैकल्टी से मेरा इतना, लेकिन ये जानता हूँ जहाँ पर बीडीएन शाही जैसे और फिराक साहब जैसे, पीडी हजेला जैसे, कितने बड़े बड़े एन झा, ये लोग इतने बड़े बड़े लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। और आप उससे एक तरीके से इंस्पिरेशन लेते हैं। रजत जी पूछते हैं कि आप IIT करके IPS अधिकारी के बनने बारे में क्या सोचा, वैज्ञानिक भी बन सकते थे। रजत जी ईमानदारी से बताएं तो मैंने कुछ नहीं सोचा था। जब इंजीनियरिंग पूरा किया तो मुझे बहुत सारे जॉब मिल रहे थे, मुझे कैंपस प्लेसमेंट से भी जॉब मिल गया था, BHEL में, अप्ट्रॉन में, मेरे ख्याल से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बहुत सारे जॉब मिल गए थे। और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। इलेक्ट्रिकल में मेरा रैंक 7 था, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा रैंक 8 था। शालू जी, मैं आपके सवाल पे अभी थोड़ी बुद्धिज्म के बारे में आपके सवाल पे आऊँगा अभी। तो लेकिन मुझे उस समय ऐसा नहीं था कि मुझे IAS करना है, IPS करना है, सिविल सर्विसेज करना है। उस समय मुख्य बात ये थी कि मेरे दिमाग में आता था कि चैलेंजेस हैं, लोग ये चैलेंजेस लेते हैं। जैसे IIT का मैंने इम्तहान लिया था तो वो भी था कि देखते हैं, बहुत कठिन परीक्षा मानते हैं। उस ज़माने में सिर्फ 2000 सिलेक्शन IIT में होते थे, मेरा रैंक 1000 के आसपास था। तो एक चैलेंज था कि चलो सिविल सर्विस भी देख लेते हैं यार, मतलब वैसे हिम्मत तो नहीं पड़ती थी, फ्रैंकली बताएं 500-700 लोगों का सिलेक्शन होता था। और इलाहाबाद में खास करके बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता था कि उस समय जो सोच थी पता नहीं क्या थी, लोग कहते थे कि सिविल सर्विसेज आप पास ही नहीं कर सकते, ऐसी एक मानसिकता के साथ लोग बैठे हुए थे। और ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है, आप जो जितने भी लोग सिविल सर्विसेज दे रहे हैं कृपया इस बात को सुने कि ये जो लोग सोचते हैं कि सिविल सर्विसेज तो मतलब असंभव ही है और असंभव सोच करके तैयारी करते हैं, वो छोड़ दें। इट इज़ वेरी डूएबल, वेरी वेरी डूएबल। बहुत आप ये ऐसा नहीं है कि मुश्किल चीज़ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई आई क्यू की भी ज़रूरत नहीं कि आप, एक ज़माने में होता था कि बहुत ब्रिलियंट हुआ करते, लेकिन यह जो सिस्टम आया है, और हमारे समय पे भी, मतलब जैसे मैं बनारस में, मैं ईमानदारी से बताऊं, हम 50 के क्लास में मेरी पोजीशन क्लास में ही भी नवी थी, क्लास में नवी पोजीशन थी। बैच में मेरा जो बैच 250 का था, जो कि 84 में पास आउट हुआ, उसमें मेरी पोजीशन 40वीं रही होगी, 30वीं रही होगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि, क्योंकि आप देखिए, आपका सिर्फ IQ का टेस्ट नहीं हो रहा, सिविल सर्विसेज सिर्फ IQ का टेस्ट नहीं है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अप्स एंड डाउन्स को कितना सक्सेसफुली कोप अप करते हैं, दूसरों से अनावश्यक प्रभावित नहीं होते हैं, आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं जहां पे गलती, ये सब 4-5 चीजें अगर आप हैं तो यू हैव एवरी रीजन टू गेट सेलेक्टेड। आप ईमानदार हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर सकें, अगर इतना कर सकते हैं तो सिविल सर्विसेज कोई मुश्किल नहीं। तो
हम जब लिए तो मैं बहुत ईमानदारी से, तो मैं तो बहुत पढ़ता लिखता नहीं था इतना ज़्यादा, और बहुत थोड़े समय हमने समय दिया इसको, सिविल सर्विस को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स मेरे उसमें दो ऑप्शन होते थे, तो फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा ऑप्शनल था। फिजिक्स आई डिड वेरी वेल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉट सो वेल, सो आई गॉट सेलेक्टेड। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, अगर आपको देना सिविल सर्विसेज तो आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। तो खैर, हमने इस चैलेंज के रूप में इम्तहान लिया और मेरी पोजीशन 130 आई, और 130 आई तो मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिल गई एंड आई एम हैप्पी। आज तक हिंदी माध्यम से फर्स्ट रैंक क्यों नहीं लगा पाया सर? मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूँगी, थोड़ी संवेदनशील बात है, एक संवेदनशील बात है, और थोड़ा सा मतलब आप खाली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान में 20-22 भाषाएं हैं जिसमें परीक्षा होती हैं, और अंग्रेजी है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है 1/25 की, 1/30 हुई, तो अगर 30 साल में एक बार भी हिंदी मीडियम का टॉपर कर जाता है तो हो जाता है। तो ये कहना, सोचना कि हिंदी मीडियम से कोई टॉप नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक दैट इज़ करेक्ट। वन कैन इफ इज़ वन इज़ कैपेबल ऑफ। आई हैव फेथ इन यूपी सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ अस हैव फेथ इन यूपी सिस्टम, दिस अ प्रिटी फेयर सिस्टम। तो ये एक सवाल हो गया। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ फिर वापस जो बातें मैं कर रहा था कि तो ये जो रिजिडिटी समाज में, जो आक्रामकता और रिजिडिटी आ गई है, कभी कभी तो आप लोग फेसबुक वगैरह पे देखते होंगे एक दूसरे के साथ गाली गलौज, ट्विटर पे तो ऐसी गंदी गालियां लिखते हैं लोग कि मतलब कोई समझ में नहीं आता कि ये हमारा हिंदुस्तान ही है क्या? हमारे बुद्ध, महावीर, गांधी, इतने बड़े बड़े लोग, विवेकानंद, अरबिंदो, सब यही लोग थे जिनके हम लोग संतानें हैं? क्या ये गाली देने वाली संतानें हैं? क्या हम अपने ज्ञान और तर्क से, इट इज एरा ऑफ नो थॉट्स, पोस्ट मॉडर्निज्म हैज कम लॉन्ग बैक, बुद्ध, जैन, चार्वाक, रामानुज, इसराय, फ्यू वॉन्ट्स टू फॉलो एंड फॉलोइंग। देखिए निर्भय दीपक जी, मैं ये कहूँगा किसी को फॉलो मत करिए, मेरा, मैं खुद किसी एक को फॉलो नहीं करता, लेकिन एक इंसान होने के कारण जिसमें चेतना है, भगवान ने सोचने की शक्ति दी है, आप बुद्ध के, मैं बुद्ध को फॉलो नहीं करता, हम बुद्ध से कबीर तक आंदोलन एक चलाते हैं, लेकिन इसमें हम बुद्ध को फॉलो नहीं करते, बुद्ध को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने खुद कहा था, बुद्ध ने अपने शिष्य से जब बात हो रही थी आनंद से, तो आनंद ने उनसे सवाल पूछा कि तथागत आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो तो उसको तर्क पे, तर्क की कसौटी पे कसो, तो क्या हम आपकी बात को भी तर्क की कसौटी पे कसें, आपकी बात को सच नहीं माने? और बुद्ध ने कहा था कि बिल्कुल मेरी बात को भी आप तर्क पे रखो, अगर मेरी बात तर्क पे नहीं साबित होती। तो वही बात है, आप बुद्धिज्म की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बुद्धिज्म की बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जो जिसने जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जो कर्मकांड थे, कर्मकांड को उसने चैलेंज किया, और उसमें बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे कर्मकांड होगा, और कर्मकांड कहाँ पे आता है? जब आप अंधश्रद्धा रखते हैं, जब आप प्रश्न खड़े करना बंद कर देते हैं, मैंने शुरू में बात की थी, प्रश्न आप जब, तो कर्मकांड आए, कर्मकांड जब आता है तो बुद्ध ने कर्मकांड को चैलेंज किया, बुद्ध ने दर्शन को, धर्म को जिंदगी से लोगों की जोड़ा, उन्होंने कहा था कि दुख ही सत्य है, फोर नोबल ट्रुथ्स, देयर इज सफरिंग, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बात की। लेकिन बुद्ध की कई बातें हैं, अब जैसे उनका जो जो अनित्यवाद वाला है, अनित्यवाद वाली चीज है, वो कभी कभी मैं लॉजिकली बहुत कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैन धर्म की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी अनेकांत स्यादवाद की बात की, स्यादवाद की बात है, ट्रूथ इज रिलेटिव, वो मैं कहना भूल गया था, दूसरा सिद्धांत जैन दर्शन का है स्यादवाद, द ट्रूथ इज रिलेटिव। कोई कहता होगा कि ये चीज करो, ये करना ठीक है, मुझे नहीं लगता है। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो धर्म और संस्कृत के बारे में जो बाइनरीज जो समाज में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं कि यही धर्म है, यही करो तो सही है, यही राष्ट्रवाद है, यही करो तो सही है, आई थिंक दोज आर द थिंग्स विच हैव टू काइंड ऑफ गेट रीड ऑफ। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं रहा, हिंदुस्तान में जो है सब लोग साथ मिलकर रहे हैं और अलग अलग विचार रहे हैं। आप सांख्य दर्शन में जाइए, सांख्य दर्शन इज डुअलिज्म, प्रकृति और पुरुष की बात है। और कोई हमसे पूछ रहा था कि बौद्ध धर्म के पतन के बारे में,
देखिए एक चीज बताऊं, मैं बौद्ध धर्म की बात, बौद्ध धर्म का पतन हुआ, मैं बहुत विद्वान नहीं हूं बौद्ध धर्म का, लेकिन एक बात कहूंगा, कोई भी धर्म जब लोगों की जिंदगी से नहीं जुड़ेगा तो धर्म खत्म हो जाएगा। आज से 2500 साल पहले जब हिंदू धर्म में कर्मकांड बढ़ गए थे वैदिक सिस्टम के बाद में, वैदिक पीरियड के बाद में, तो हिंदू धर्म का पतन हुआ, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, और बुद्धिज्म ने लोगों को जोड़ा क्योंकि उसमें सबके लिए बराबर हक थे, अमीर गरीब हर जात के लोग, महिलाएं मठों में आ सकती थी। फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर बौद्ध धर्म का भी पतन होता है, बौद्ध धर्म भी लोगों से जिंदगी से दूर हो जाता है। अवनीश जी कह रहे मध्यम मार्ग इज द बेस्ट, यस एब्सोल्युटली। आज की तारीख में जो सबसे जरूरत है कि जो बाइनरीज हम बना लेते हैं वो जीरो और वन के बीच में कहीं सत्य है उसको ढूंढने की कोशिश करिए, और वो आता है डायलॉग से। हिंदुस्तान में डायलॉग की परंपरा रही, शंकराचार्य थे अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक थे, वो शास्त्रार्थ करते थे, लोगों को समझाते थे। बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, और मैं भी आज वही बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में बाइनरीज की जरूरत नहीं है, रिजिड पोजिशंस की जरूरत नहीं है, आज मिलजुल करके बैठ करके बातें करने की जरूरत है। ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है, मैं बताऊं, डोंट टेक ब्यूटी ऑफ इंडिया फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक द कंपोजिट कल्चर, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया फॉर ग्रांटेड, इट इज अ ब्यूटीफुल अनपैरेलल्ड ब्यूटी इन द वर्ल्ड। आई कैन चैलेंज यू, देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड हु इज सो डाइवर्स एंड ब्यूटीफुल एज इंडिया इज। आज से 2500 साल पहले जब दुनिया के कई इलाकों में एक भी धर्म नहीं था, हिंदुस्तान में बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, हिंदुइज्म था और पारसी, चार धर्म थे, चारवाक की परंपरा थी, नास्तिक लोगों की परंपरा थी, इतनी सारी अलग अलग परंपराएं थीं और सब फल फूल रही थी, एक दूसरे से प्रश्न करते थे, सवाल पूछते थे, जवाब मिलता था, फिर सवाल पूछते थे, फिर जवाब आता था। तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान विविधताओं और क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस का और मध्यम मार्ग का है, मध्यम मार्ग की आज जरूरत है। आज जो मित्र ने हमारे कहा, आज सबसे ज्यादा जरूरत है मध्यम मार्ग की, क्योंकि आज बाइनरीज बन रही है, चाहे रिलीजन हो उसकी बाइनरी बन रही है। अरे भाई क्यों बनाते हो बाइनरी, कबीर ने कहा था कि भगवान राम के चार रूप हैं, आपने निर्गुण और सगुण चुना होगा, जो रूप हैं एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा घटघट में व्याप्त है, तीसरा ऊर्जा स्वरूप है, और चौथा जो है अद्वैत ब्रह्म है, सबसे न्यारा, जो सबसे न्यारा। कबीर उसी ब्रह्म की बात करते हैं, शंकराचार्य उसी की बात करते थे, शंकराचार्य वेदों के माध्यम से कहते थे, ज्ञान के माध्यम से कहते थे, गुरु के माध्यम से कहते, कबीर कहते थे प्रेम के माध्यम से। वही चीज आगे बढ़ती है, प्रेम हमारी जो ये है परंपरा है, प्रेम से ईश्वर पाने की परंपरा बहुत मजबूत रही है, नानक उसी परंपरा से आते हैं। गोरखनाथ, गोरखनाथ की बात हुई थी शुरू में, गोरखनाथ की परंपरा देखिए, वो भी कर्मकांड को रिजेक्ट कर देते हैं, किताबों को रिजेक्ट कर देते हैं, पंडितों को, पंडितों का मतलब जो कर्मकांड वाले पंडित हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते किसी की जरूरत नहीं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो निराकार ब्रह्म है, वो प्राप्त होगा प्रेम से, प्रेम से प्राप्त होगा। आज वही याद करने की जरूरत है, जब गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन, गॉड इज वन, विवेकानंद कहते थे, मैं आपको एक कोट सुनाता हूं विवेकानंद का, दो तीन कोट है मेरे पास में, आई लाइक टू रीड देम। विवेकानंद कहते थे, उन्होंने शिकागो में कहा था, बहुत ही फेमस कोट है, ही हु इज ब्राह्मण ऑफ हिंदूस द अहुरा मजदा ऑफ जोरोस्ट्रियंस, मतलब पारसियों का, द बुद्धा बुद्धिस्ट, जिहोवा ऑफ द ज्यूज एंड द फादर इन हेवन ऑफ द क्रिश्चियंस, वी आर ऑल वन, गॉड इज वन, दैट विच एग्जिस्ट इज वन, द सेंट्स कॉल इट बाई वेरियस नेम्स। ये अद्वैत वेदांत की परंपरा है, और वही विवेकानंद कहते थे, विवेकानंद सिर्फ दर्शन के लिए दर्शन नहीं करते थे, विवेकानंद कहते थे जीव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। अगर देश में गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, तो ईश्वर का कोई मतलब नहीं होता। और धर्म, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, अगर वो लोगों से दूर होगा तो खत्म हो जाएगा। आप भ्रम रखिएगा कि कर्मकांड धर्म है, कर्मकांड धर्म है, कर्मकांड धर्म नहीं होता, आत्मा होती है, आध्यात्मिकता धर्म होती है, और हिंदुस्तान की आध्यात्मिकता लोग अपनी जिंदगी से जोड़कर जीते हैं, इनको कर्मकांड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नदियों को पूज लेते हैं, पहाड़ों को पूज लेते हैं, संगम में स्नान करके आध्यात्मिकता महसूस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं है। कर्मकांड क्या करता है, कर्मकांड एक हेरार्की बनाता है, एक वर्टिकल बनाता है, और जिस वर्टिकल में, उस हेरार्की में शोषण होता है,
क्या आप शोषण चाहते हैं, इस तरह का धर्म आपको चाहिए। धर्म तर्क पर आधारित होना चाहिए, आस्था अपनी जगह पे आस्था होनी ही चाहिए, धर्म और आस्था को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन आस्था कबीर की आस्था होनी चाहिए, प्रेम की आस्था होनी चाहिए, नफरत की आस्था नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आस्था से नफरत पैदा होती है तो वो कौन सा धर्म है मैं नहीं जानता। एक और कोट आपको बताता हूँ, एक ऋत्विज मर्चेंट का कोट है, हिंदुज्म अपीयर्स टू बी वेरी मच लाइक इंडिया एन एसेंशियल पैराडॉक्स एज एनी अटेम्प्ट एट ट्रूइज्म अबाउट हिंदुइज्म कैन बी इमीडिएटली कॉन्ट्राडिक्टेड बाई एंड द ट्रूइज्म अबाउट हिंदुइज्म। इतना विविधता है हमारे दर्शन में, चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, 9 दर्शन तो इस्टैब्लिश दर्शन है। तो एक बात कहिएगा, आप कहिएगा कि ईश्वर एक है तो सांख्य वाला कहेगा 2 है, बौद्ध बुद्ध है, चुप हो जाएंगे, और जैन कहेंगे ईश्वर है ही नहीं है, चारवा कहेगा ये सब पंडित लोग, पोगा पंडित हैं, ये लोग दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। तो लोग जो है धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं। मैं धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने पूरा धर्म पढ़ा है, पूरा इंडियन फिलॉसफी पढ़ी है, आजकल मैं नाथ संप्रदाय को पढ़ रहा हूं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता में जाते हैं, खूबसूरती में जाते हैं धर्म की, तो वो नफरत नहीं सिखाती है। अभी मैं राहुल संकेतन की, मेरे पास एक किताब है, ये किताब दर्शन दिग्दर्शन, मैं इसको पढ़ रहा था, एक जगह पे मैं अटक गया पढ़ते पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई कहता है वो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, मैं राहुल संकेतन जो विद्वान है उनकी विद्वत्ता के बारे में कोई डाउट नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब उन आदमियों में थे जो समाज में रूढ़िवश मानी जाती हर एक बात जो बिना ननु नच के मानना नहीं पसंद करते थे, मतलब ही वुड लाइक टू क्वेश्चन, प्रश्न खड़ा करते। साथ ही अपनी वाणिज्य यात्राओं में वह ऐसे धर्म वालों से मिल चुके थे जिनके धर्म अरबों की मूर्ति पूजा की अपेक्षा ज्यादा प्रशस्त मालूम, अरब में भी उस समय मूर्ति पूजा होती थी मोहम्मद साहब से पहले, खासकर ईसाई साधुओं और उनके मठों की शांति तथा बौद्धिक वातावरण और यहूदियों की मूर्ति रहित एक ईश्वर भक्ति उन्हें ज्यादा पसंद आई। अब आप ये देख रहे हैं कि ये खूबसूरती जो है वो कैसी है, और इस खूबसूरती को देखिए हिंदुस्तान में, हम लोग बुद्ध से कबीर तक एक हमारा सामाजिक मूवमेंट है, और उसमें हम लोग कुछ प्रयोग किए पिछले सालों में, 2-3 साल से ये होता है, हर साल यात्रा निकलती है। आप नहीं मानिएगा, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हो गया, हमने सोचा नहीं, अपना एक अनुभव उसका बताता हूँ। हम लोग गए हुए थे लुम्बिनी, और लुम्बिनी से हम लोग यात्रा शुरू करने वाले थे। सत्यम जी, मैं कबीर पे आऊँगा, बिल्कुल 2 मिनट में आता हूँ कबीर पे। कबीर पे आपने एक बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग एक बौद्ध मंदिर में रुके हुए थे, मोनेस्ट्री में, और वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, और हम लोग पहुँचे, और ये था कि शाम में कुछ वहाँ पे म्यूजिक व्यूजिक का कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे साथ खलीलाबाद के कुछ गायक कलाकार थे, और गायक कलाकार का चलो गाते हैं, बनारस से भी एक ग्रुप आया था, लेकिन उसमें खलीलाबाद कलाकार थे। तो वो देखिए बौद्ध मंदिर में, वहां पे खलीलाबाद के मुस्लिम कलाकार, वो मुस्लिम 3-4 मुस्लिम लोग थे, और वो लोग कबीर के निर्गुण गा रहे थे। अब ये बात सोचिए कि 3 धर्म जो है, बौद्ध, इस्लाम और हिंदू की अद्वैत परंपरा, 3 एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। उसी तरीके से जो कुशीनगर के पास में पावा नगर है, वहां पे भी हमने जैन मंदिर में कबीर के निर्गुण गाए। अब ये चीज हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और एक दूसरे से प्रभावित होना, एक दूसरे से सीखना। और देखिए, जो लोग फिलोसफी के स्टूडेंट हैं जानते हैं कि चार्वाक वेदांत को क्वेश्चन करता है, बुद्ध वेदांत को क्वेश्चन करता है, वेदांत अद्वैत द्वैत को क्वेश्चन करता है, सप्त, वो सप्त अनुपत्ति, वेदांत में एक टर्म है सप्त अनुपत्ति, 7 डिफरेंसेज हैं अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत के बीच, रामानुज और शंकराचार्य के बीच, वेदांत में ही इतने सारे अंतर हैं, फिर माध्वाचार्य आते हैं उनसे भी डिफरेंसेज हैं, अरविंदो आते हैं एक नया वर्जन देते हैं, विवेकानंद आते हैं वो जीव सेवा की बात करते हैं, और गांधी जी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो कबीर के बारे में कोई ये था कि कबीर के नाम पे बहुत बड़ी पोंगा पंडित लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुद्ध और कबीर को जो उनका जो जो बेसिक जो इंटेंट था, जो बेसिक फिलॉसफी, उसी से लोग कादिर जी पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ, तो उसी को लोग जैसे बौद्ध धर्म के नाम पर बहुत सारे कर्मकांड आ गए हैं। मैं बताऊं, हम लोग पहली यात्रा निकालने वाले थे बुद्ध से कबीर तक यात्रा 2018 में, तो कुशीनगर में एक जो बौद्ध मंदिर है वहां के जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो भंते बोलते हैं,
उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, यहाँ से यात्रा शुरू करिए, मैं पूजा पाठ करवा दूंगा। हमने कहा भाई हम लोग तो कर्मकांड के खिलाफ ही ये सब सारा कर रहे हैं, तो हम कर्मकांड खुद करेंगे तो भाई ये तो कैसे चलेगा, उसी चीज़ को हम लोग काउंटर करेंगे। बिल्कुल आप कबीर के नाम पे कर रहे हैं। कबीर मेरे पास एक, आप देखेंगे मेरे पास एक पीछे एक तस्वीर कबीर की पड़ी हुई है, मैं एक मिनट के लिए दिखाता हूँ। तो मैंने दिखा दिया, आप देखेंगे गौर से तो उसमें कबीर को टीका भी लगा देते हैं। और कई जगह मैं एक अहमदाबाद के पास एक मंदिर था, एक बार गया हुआ था कबीर मंदिर, तो वहाँ पे उसके उसके लोग पूजा पाठ भी करने लगे हैं। तो वो कबीर की आत्मा ही वो लोग नष्ट कर दे रहे हैं, कबीर इस तरह के थे ही नहीं। और कबीर को तो बहुत ज़्यादा मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की गई, बहुत सारे जो पोगा पंडित जो, क्योंकि कबीर लोगों से सहन नहीं हुए कभी। कबीर इतने रिवोल्यूशनरी थे और लोगों की जिंदगी से जुड़े। बनारस में जब आए कबीर तो बिल्कुल हंगामा मच गया, वहाँ के ब्राह्मण लोग दुखी हो गए। मैं ब्राह्मण जात के विरोधी नहीं हूँ, मैं ऐतिहासिक बातें कर रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करिएगा। तो कबीर आए तो बिल्कुल दुखी हो गए, और लेकिन कबीर की जो अपील थी, जो जो सीधा लोगों से कनेक्ट करने की, जो लोगों को सीधा ईश्वर से जोड़ने की बात थी, वो इतनी सशक्त थी कि वो पंडितों का कुछ चलता नहीं था। पंडित के वहाँ जाइए तो आप दान दीजिए, दक्षिणा करिए, ये करिए, वो करिए। कबीर का जो प्रेम था कि ईश्वर से प्रेम ही सब कुछ है, और उनके गीत जो निर्गुण हैं, दे आर वंडरफुल सॉन्ग्स। तो लेकिन कबीर के बाद भी बहुत सारी कोशिश हुई, कबीर को वो कहते हैं ना कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर में डालने की कोशिश की गई। एक तो पंजाब के कोई साधु हैं सतपाल जी महाराज, आप क्षमा करिएगा कोई उनको मानता हो, वो तो इंकारनेशन में मानने लगते हैं, और कबीर को ही वो लोग तो ईश्वर मानने लगते हैं। वो लोग हमसे भी जुड़ने की कोशिश करें, कभी हम इस तरह से हम इस सोच के खिलाफ हैं, हम तर्कपूर्ण, बल्कि एक किताब लिखी है आपके इलाहाबाद के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे मित्र हैं सुभाष चंद कुशवाहा जी, वो किताब पढ़ने लायक है, कबीर हैं कि मरते नहीं। प्रदीप परसौनी जी करें गोरखनाथ के गीतों को गाने वाले मुस्लिम जोगियों की एक लंबी परंपरा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गोरखनाथ जब आए, और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि उस समय इस्लाम में चले गए थे, ये जो गोरखनाथ की जो अपील थी, जो जमीन से जुड़ाव था बहुत सारे मुसलमान को, यहाँ पर बराबरी का भाव था। जो ये जो परंपरा रही है, जो कबीर की परंपरा है, गोरखनाथ की या नानक की परंपरा जो रही है, सिख धर्म की परंपरा रही है, वहाँ पे बराबरी की परंपरा है। तो ये जो समाज में जिनको कुचला गया है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, एक कास्ट हायरार्की में या जो कर्मकांड की हायरार्की है, उन लोगों को ये बहुत अपील करती है। इसलिए बहुत सारे मुसलमान लोग उसमें जुड़े। और देखिए हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि नाथ संप्रदाय का योगी जो है शिव के गीत गाता है। आदि योगी शिव है, शिव के गीत गाता है, कृष्ण के गीत गाता है, भर्तृहरि के गीत गाता है। और योगी जो गीत गाते हैं तो हमने तो देखा हुआ है, हम लोग बचपन में थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। रजत जी ने कबीर का एक दोहा लिखा, तो वही है, तो ये तो प्रेम की बात है। और ये जो, और जो दूसरा है, ये जो मैं रिजिडिटी की बात कर रहा था, उसमें कुछ और भी चीज़ें हुई हैं कि धर्म को लेकर के इस तरह की चीज़ें, धर्म है, संस्कृति है, अपने देश का सेकुलरिज्म है, और गांधी, चार पांच चीज़ों में उदाहरण दूंगा कि किस तरीके से इनके साथ में बहुत खिलवाड़ किया गया है ये रिजिडिटी के कारण। कई लोग हैं जो धर्म को बोलेंगे धर्म बेकार चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे तुम धर्म में नहीं बांधे तो तुम निकम्मे हो, तुम हिंदुस्तान के खिलाफ हो। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है वही लोग करते हैं जो धर्म को समझते नहीं, धर्म को पढ़े नहीं। अगर धर्म को पढ़ लें और समझ लें, बुद्ध को समझ लें, महावीर को समझ लें, शंकर को समझ लें, रामानुज को समझ लें, गांधी को समझ लें, विवेकानंद को समझ लें, तो आपको धर्म धर्म के बारे में जो आपकी गलत धारणा है वो दूर हो जाएगी। और वो लोग भी जो दूसरों को कहते हैं कि तुम धर्म के खिलाफ हो तो तुम पापी हो, उनकी भी धारणा चली जाएगी, क्योंकि हमारे देश में नास्तिकता की भी परंपरा रही है। जैन दर्शन, जैन परंपरा नास्तिक है। कबीर का जो अद्वैत है, अगर आप इसको गौर से देखें, आप उसको थोड़ा रियलाइज करने का कोशिश करें, तो ये नास्तिकता के बगल से गुजर जाती है। नेहरू जी कहते थे, नेहरू जी मोर ऑर लेस नास्तिक थे, वो बहुत बड़े बिलीवर नहीं थे, वो थोड़ा नॉन बिलीवर टाइप के थे, लेकिन एक चीज जो कहते थे कि मैं नास्तिक होते हुए भी जब हिंदुस्तान को देखता हूँ, हिंदुस्तान को महसूस करता हूँ, हिंदुस्तान की संस्कृति को महसूस करता हूँ, तो एक चीज़ मुझे आकर्षित करती है और बार बार आकर्षित करती है, और वो है अद्वैत ईश्वर की परिकल्पना।
तो नेहरू एक साथ, और इसीलिए देखिए इसीलिए नेहरू जो है इस देश को समझ पाते थे, नेहरू इतने पॉपुलर थे, और गांधी भी इतने पॉपुलर इसीलिए थे कि वो इस देश की परंपरा को समझते थे। गांधी इज अंडर वेरी मिसअंडरस्टूड पर्सन। गांधी के बारे में बोला जाएगा कि क्या चरखा से आज़ादी उन्होंने दे दी, गांधी तो फ्रॉड थे, बहुत सारी बातें लोग करते हैं, गांधी कमजोर आदमी थे, कहीं इससे आज़ादी, अहिंसा से आज़ादी मिलती है। मेरे पास एक किताब है, ये किताब मैं आपको आजकल पढ़ रहा हूं, और इसमें से मैं दो या तीन वाक्या दूंगा, खास करके अपने युवा मित्रों के लिए दो तीन वाक्या दूंगा जो आपको दिखाएगा कि गांधी कितने सशक्त थे। पहला वाक्या है 1915 का, 1914 में गांधी आए थे वापस, या 1915 में ही आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, कोचरब आश्रम में अहमदाबाद में रहते थे, और पहली उनकी पब्लिक अपीयरेंस थी बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, और उस इनॉग्रेशन में वायसराय आने वाला था, एनी बेसेंट थी और भी बहुत सारे लोग थे, और गांधी जब उस मीटिंग में पहुंचे जहां पे वो कार्यक्रम था, तो उस मीटिंग में बहुत सारे राजा महाराजा थे, और दरभंगा के जो राजा थे उसके चेयरपर्सन थे उस मीटिंग के, और गांधी ने प्रश्न खड़ा किया, और वहाँ पे बहुत सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, बिल्कुल शहर में हर जगह पे पुलिस और डिटेक्टिव लगा दिए गए। तो गांधी कैरेड ऑन आस्किंग व्हाई व्हेन द वायसराय केम टू बनारस देयर वर सो मेनी डिटेक्टिव्स ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑन द रूफटॉप्स, वाज दिस अ साइन ऑफ फियर? और वहाँ पे वायसराय मजदूर हैं, गांधी की पहली पब्लिक अपीयरेंस है, और वायसराय की उपस्थिति में गांधी ये सवाल उठते, कोई कमजोर आदमी ये सवाल नहीं उठा सकता। एनी बेसेंट पीछे से कहती हैं कि तुम ये बंद करो, मत बोलो, एक कोई राजा कहीं के थे वो उठ के चले जाते हैं वहां से, लेकिन गांधी सत्य को कहते थे, और ये थी गांधी की मजबूती। दूसरी बात आती है जब अगले साल गांधी चंपारण जाते हैं, चंपारण का जो इंडिगो वाला आंदोलन था, वहाँ पे डीएम ने उनको नोटिस पहुँचे तो उनको नोटिस दे दी कि तुम आप यहाँ नहीं रह सकते और आप यहाँ से निकल जाइए। ही इशूड अ नोटिस प्योरली एंड सिंपली फॉर अ जेन्युइन सर्च फॉर नॉलेज, ऐसा गांधी ने कारण बताया था कि मैं जानने के लिए आया हूँ। डीएम ने कहा कि तुम इसके लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पे टेरर फैलाने के लिए आए हो, यहाँ पे एनआरकी फैलाने के लिए आए हो। और गांधी ने इसका जवाब दिया था, आई हैड द हियरिंग, जब उसकी हियरिंग हुई तो गांधी कहते हैं, गांधी सेड ही हैड कम टू चंपारण टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस व्हाइल ही हैड नो इंटेंशन ऑफ डिस्टर्बिंग द पीस एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन ही वॉज बाउंड टू डिसोबे द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड स्टे ऑन द डिस्ट्रिक्ट। ही सेड एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडियन आई विल नॉट लीव, यू माइट अरेस्ट मी, यू माइट पुट मी इन जेल। गांधी जी की ये ताकत थी। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आप इनको पढ़िए, ये कई सारी चीज़ें हैं, और गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं गांधी जी तो डिक्टेटर थे, लेकिन अगर आप 1925 के आसपास का पढ़ें तो जिस तरह से स्वराज पार्टी बनी और मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जाके बार बार उनसे डिस्कशन कर रहे हैं और असहमति हो रही है, दोनों कह रहे हैं कि असहमति हो रही है, लेकिन गांधी जी उस असहमति को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मेरी बात तो मेरी बात। और गांधी जी लोगों के सवालों का जवाब चिट्ठी लिख के, आम आदमी के सवालों का जवाब, उनको लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि कोई कह रहा है जिला अधिकारी का प्रेशर, जिला अधिकारी का प्रेशर कोई नहीं होता भाई, सब लोग साथ में मिलकर काम करते, गवर्नमेंट अलग अलग नहीं होती है, सबका एक ही मकसद होता है, लॉ एंड ऑर्डर में सबको प्रॉब्लम हल करनी होती है, डिफरेंसेस कभी कभी होते हैं, लेकिन डिफरेंसेज आर मेंट टू बी निगोशिएटेड एंड सॉर्टेड आउट एज अ सीनियर ऑफिसर एट एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यू आर नॉट सपोज टू परस्यू योर एजेंडा और परस्यू योर ओपिनियन, इट इज यू आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स स्टैंडिंग। तो उस तरह का कोई डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस आर सॉर्टेड आउट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो गांधी के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता था, और गांधी धर्म और सेकुलरिज्म भी एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही मिसअंडरस्टूड है। कुछ लोग, आप लोग तो जानते ही हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे सेकुलर को भी गाली दी जाती है, और जो सेकुलर होते हैं दूसरे लोगों को निकम्मा बनाते हैं, सेकुलर लोग धर्म को गाली देते हैं, और जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं वो सेकुलर लोगों को राष्ट्र विरोधी बता देते हैं। ये जो बाइनरीज वाला हिसाब किताब है वो, क्योंकि आप देखिए इस सेकुलरिज्म को, आप जो शब्द है उसको आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से मत समझिए। वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है
वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है वो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है जो कि सरकारों ने अडॉप्ट किया है। हमारा जो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है वो आज से 3000 साल पुराना, बुद्ध के ज़माने से ही हमारा देश सेकुलर रहा है। हम लोग अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पे आते रहे, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, इस्लाम आया, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में बहुत पहले आए हैं। और ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो इस्लाम जैसा इस्लाम था वैसा ही रह गया, इस्लाम यहाँ पे भक्ति मार्ग पे भी चला गया। जो सूफी ट्रेडिशन है वो हिंदुस्तान के भक्ति मार्ग से प्रभावित है, और जो भक्ति मार्ग है इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित है। इस्लाम का एकेश्वरवाद, शंकर का एकेश्वरवाद, कबीर का ईश्वरवाद, कबीर सबसे बड़े सूफी थे। लेकिन ये सब समझने की ज़रूरत है। अज्ञान जो है बिना पढ़े लिखे इस तरह से सेकुलर शब्द, अरे सेकुलरिज्म पे प्राउड होना चाहिए। सेकुलरिज्म वो है जो गांधी ने एक्सप्लेन किया था, सर्वधर्म संभाव। और सर्वधर्म संभाव जो है एक दिन में नहीं आता है, हजारों साल के इवोल्यूशन का प्रोसेस है। वी हैव इवॉल्व लास्ट 3000, 4000, 5000 ईयर्स एंड अराइव्ड दिस टू हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। आवर सेकुलरिज्म इज इवॉल्व सेकुलरिज्म। ये जो है लोगों के संघर्षों से बना है, जिसमें इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी की बात है। ऐसा नहीं कि जब आज़ादी हुई तो लोगों ने इकट्ठा होकर संविधान लिख दिया। 1931 के कराची अधिवेशन में इक्वलिटी की बात हुई है, सेकुलरिज्म की बात हुई, महिलाओं के अधिकार की बात हुई। तो ये सारी बातें करनी थी। और थोड़ी सी बात, मैं बुद्ध से कबीर तक, हम बुद्ध से कबीर तक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों में बुद्ध की प्रतिमा पर कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? बुद्ध की सवाल समझ में नहीं आया शुभम जी, या प्रश्न अपना। एक कोई मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एंड दैट रिलेट्स टू देर नॉट बींग ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमेशा पढ़ाई शुरू करने की तैयारी करते रहते हैं, दूसरा वो फिनिश नहीं करते हैं, और तीसरा ये भी है कि सिविल सर्विसेज के लिए, खास करके सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज़रूरी है कि आवश्यक चीज़ें पढ़ी जाएं, और उतना ही ज़रूरी है कि अनावश्यक चीज़ें ना पढ़ी जाएं। कई लोग घंटों घंटों अखबार पढ़ते रहते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है उस तरह की अप्रोच रखना। अखबार लीजिए, पलट लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट लगे उसको कहीं पर लिख डालिए आप, नहीं तो ये सोचिए कि कटिंग में कटिंग करके रखिएगा सामान, आप कब भी नहीं पढ़ पाइएगा। वो सब अप्रोच छोड़ दीजिए, क्योंकि और वैसे भी आजकल तो सब कुछ वो क्या है वो विजन में और किसमें सब उपलब्ध हो जाता है। कहीं पे कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको एक लीड लेनी होती है, उसके लिए ये सब चीज़ें करनी होती हैं। जो चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज आप कर लीजिए। आप इतना रखिए कि हर चीज़ कम से कम 3 बार एग्जाम से पहले आप पढ़ लें, सिविल सर्विस एग्जाम से पहले, जिससे आपके दिमाग में रहे। समझने की कोशिश करें, समझने की, संविधान क्या कभी पुलिस के कार्य में बाधा? संविधान, पुलिस तो संविधान पे ही आधारित है। पुलिस जो संविधान के सिद्धांत हैं, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम जो है सबका, उसी के लिए सारे इंडियन पिनल कोड या इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब संविधान के लिए, संविधान से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। संविधान एक तरीके से एक हमारी छतरी है, उसके छतरी के नीचे सारे कानून हैं, और सरकार के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो उसी प्रकार से काम करते हैं। तो संविधान तो हमारे लिए गीता बाइबल है भाई, हम लोग तो पुलिस में, हमारा कोई धर्म नहीं होता पुलिस में, सब हमारे लिए संविधान और कानून, गीता बाइबल कुरान सब वही है। सूफी मत पर बौद्ध धर्म भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव, एक्चुअली पसौनी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ये कहना मुश्किल है कि किस चीज़ का किस चीज़ पर प्रभाव नहीं है। हर चीज़ का हर चीज़ पे प्रभाव है। हमारे यहाँ धर्म या परंपराएं एक डोरा या सूत नहीं होती हैं, हमारे यहाँ ताना बाना बना हुआ है, और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हर एक चीज़ को वो मजबूती प्रदान करती है। बुद्ध से कबीर तक में हम लोग यही कहते हैं कि हमारा देश जो है एक विविधताओं का देश है, विविधताओं की रिस्पेक्ट करना सीखो, मतभेदों को मध्यम मार्ग से दूर करना सीखो। हिंदुस्तान की जो एक बहुसंस्कृतिवादी परंपरा है, जिसमें हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर एथनिसिटी के लोग हैं, सबको इज्जत से करो, भेदभाव मत करो, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और जाति और धर्म के नाम पे जो भेदभाव है वो दूर होना चाहिए। और ये बुद्ध से कबीर तक के लिए बुद्ध और कबीर ही सिर्फ नहीं है, इसमें हम कहते हैं कि पूरा जो इतिहास का स्पैन है बुद्ध से लेके कबीर, और उसके बाद आता है इतिहास आगे बढ़ता है गांधी तक, मैं कहूँगा 2500 साल का जो इतिहास है ये विविधताओं का इतिहास है, और विविधताएँ खूबसूरती देती हैं, विविधताएँ जीवंत बनाती हैं देश को। जो लोग
न्यूजीलैंड जैसे देश में गए हुए हों या कनाडा जैसे देश में गए हुए, कनाडा तो अभी भी बहुत मल्टीकल्चरल हो गया, वो जाके परेशान हो जाएंगे हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का स्काई लाइन देखिए। हमारे एक मित्र हैं, वो इनकम टैक्स में ऑफिसर हैं सूरत में, उन्होंने अवध की संस्कृत पे उन्होंने फेसबुक पे लिखते रहते हैं, जिन्होंने देखा हो, वो लोग कितनी खूबसूरत चीज़ लाते हैं अपने कंपोजिट कल्चर की या साझी विरासत की लेके लेके आते रहते हैं। धर्म के नाम पे बढ़ते आतंकवाद, धर्म धर्म वही कह रहा हूँ, जब उसमें कर्मकांड आएगा, कट्टरता बढ़ेगी, फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा, इसलिए मैं रैशनैलिटी की बात करता, धर्म में रैशनैलिटी होनी ज़रूरी है। जहाँ पे आप धर्म को, और आतंकवाद कौन, वही लोग कहते हैं जो इस्लाम को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, वही लोग आतंकवाद फैलाते हैं। किसी धर्म को कोई खतरा नहीं होता, कम से कम हिंदू धर्म को तो खतरा नहीं है, इस्लाम को भी खतरा नहीं है, किसी धर्म को खतरा नहीं है। ये जो लोग होते हैं जो जो धर्म का एक मोनोलिथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अपना एक वर्जन प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको खतरा दिखता है। बाकी ये धर्म हजारों साल जिंदा रहे और हजारों साल जिंदा रहेंगे, और खास करके हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान की परंपरा में मैं इस्लाम की भी बात करूंगा, हिंदू धर्म की, पारसी, क्रिश्चियन की, सब की बात करूंगा। ये सारे जो इंडियन वर्जन ऑफ ऑल दीज रिलीजन्स इज वेरी वेरी इलास्टिक, वेरी वेरी एडॉप्टिव। इस्लाम, इस्लाम आज की तारीख में देखिए, इस्लाम ने सूफीज़म को एक्सेप्ट किया हुआ है। इस्लाम दूसरे देशों में सूफी नहीं होता है, वहाँ पे गाने नहीं गाए जाते, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान एज अ वर्जन ऑफ इस्लाम, इट इज़ अ इवॉल्व वर्जन, देयर वाज अ प्रॉब्लम हमेशा, और जो लोग जो उनके जो मुल्ला और वो लोग होंगे उनको परेशानी होगी, वो हमेशा परेशान होंगे इस तरीके की जो वर्जन है। लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, हिंदुस्तान में जब इस्लाम आता है लोग कहते हैं कि हमें वो एब्स्ट्रैक्ट मोनोइस्ट अल्लाह नहीं चाहिए, हमको ऐसा अल्लाह चाहिए हम दिल से लगा सकें। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग ने क्या कहा, रामानुज ने क्या कहा कि शंकर का जो अद्वैत है एब्स्ट्रैक्ट होगा, इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड होगा, बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन होगा, अनादि होगा, अनंत होगा, हमको वो नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो रहे अपनी जगह पे, लेकिन हमको तो अपना एक तस्वीर लगा करके, गीत गा करके हमें उस ईश्वर की आराधना करनी है। तो हिंदुस्तान के अपने फ्लेवर हैं भाई, हिंदुस्तान के अपने फ्लेवर हैं, और अपने लोग धर्म बना लेते हैं, हर आदमी का अपना। हिंदुस्तान में हर एक आदमी दार्शनिक है, हर एक आदमी धर्म को जीता है, हर एक आदमी आध्यात्मिकता को जीता है, और अपने तरीके से अपने धर्म का निर्माण करता है, हर आदमी का। आप ही सोचिए कि हम में से कई हैं जो मंदिर नहीं जाते लेकिन हिंदू हैं, कई लोग जाते हैं जो हनुमान की पूजा करते हैं, कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कोई राम, सब लोग अपना अपना कर लेते हैं, कोई नहीं भी करते हैं वो भी उतने ही हिंदू हैं, कोई समस्या ही नहीं है। रितेश कह रहे हैं क्या वर्तमान गोरखनाथ पीठ अपनी परंपराओं का पालन कर रहा है, आप देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सब कुछ देख ही रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब कोई भी धर्म या परंपरा इंसान इंसान में भेद करने लगता है, वो परंपरा विलुप्त होने लगती है। कोई भी धर्म हो, मैं गोरखनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, नाथ परंपरा इतनी सशक्त परंपरा है कि उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनाथ संप्रदाय का, अनाथ परंपरा का अध्ययन कर रहा हूँ, और इतनी मजबूत परंपरा है, जो परंपरा मुसलमानों को इस फोल्ड में, जो शिव की आराधना में ला सकते हैं, उस परंपरा में कुछ, और उस समय एक समय था लाखों लाख नाथ संप्रदाय के जो कि हिंदुस्तान में हुआ करते थे, और क्या एक विशेष वर्ग के द्वारा पाठ्यक्रमों में विकृत इतिहास लिखने, देखो भाई ये सब राजनीतिक बातें, आप भी समझ रहे हैं हम भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, इतिहास आप लिखिए, हर आदमी को इतिहास लिखने की छूट है। जिनको लगता है कि इतिहास नए तरीके से लिखना चाहिए, आप सब विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, मैंने भी PhD किया, लेकिन जब एक पेपर लिखता था, एक पेपर लिखने में मेरे 15 दिन 20 दिन लग जाते थे, और उसको जब पीयर रिव्यू में भेजते थे तो पता चलता था, ऐसे ऐसे कमेंट आते थे, वो लिख देता है यार तुम्हारा पेपर बेकार है। मैं, जो भी लोग इतिहास लिख रहे हैं, अपना पीयर रिव्यू एक डिसेंट लेवल के पीयर ग्रुप से आप कराइए, ऐसा इतिहास लिख दीजिए कि फलाना ने उस समय ये कहा था। अभी मैंने किताब देखी अयोध्या पे, और उस अयोध्या वाली किताब पे इतना ज्यादा उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट मुझे लग रहा था, क्योंकि हमेशा वो मरे हुए आदमी को कोट करता था, वो कोट कहीं नहीं है, वो कहेगा कि मैं फलाना को मिला था 1983 में, 1985 में, 19 और वो करके पूरी हिस्ट्री के, तो इस तरह की हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं होता। आप सब्सेंशिएट करिए अपना पॉइंट, आप अगर पॉइंट सब्सेंशिएट करते हैं तो चाहे आप इधर की बात करें या उधर की बात, तर्क के साथ करते हैं, सपोर्ट के साथ करते हैं, कोर्ट के साथ करते हैं, रेफरेंसेस के साथ करते हैं, वही रिसर्च होता है ना। रिसर्च बकवास नहीं होता, रिसर्च ओपिनियन नहीं होता। हिंदुस्तान में ओपिनियन देना तो बड़ा आसान होता है। मैं अपना डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में मैंने पेपर किया था, एंड आई नो व्हाट इज द
मतलब प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग अ रिसर्च पेपर, और अच्छे रिसर्च पेपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विकिपीडिया को कोड, विकिपीडिया बनाइए, विकिपीडिया को कोड कर दीजिए, वो ऐसे भी इतिहास बनता है। तो सर मेरा प्रश्न शायद पहुंच नहीं पा रहा, मंजीत मुरादा, मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई के दौरान जाने परेशानी कैसे हैंडल करें, परेशानी किस बात की परेशानी वो आप बताइएगा। परेशानी, परेशानी तो बहुत होती रहती है यार, मिस बंद हो जाता है, वो परेशानी हो गई, सर दर्द होने लगा, बोर होने लगे, कभी कभी डिप्रेशन होने लगता है कि फेल हो जाएंगे, वो होने लगे, किस तरह की पुलिस के सिपाही जो सामान्यतः जनता से जुड़ते हैं आम नागरिकों के साथ प्राय अभद्र व्यवहार करते हैं। श्याम त्रिपाठी जी करें, त्रिपाठी जी ऐसा नहीं है, ऐसे केसेस होते भी हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस के लोग जो है अच्छी तरीके से पेश आते हैं, और ऐसे लोग जिनका पुलिस से वास्ता पड़ा है वो लोग पुलिस की कम टीका टिप्पणी करते हैं, जिनका वास्ता नहीं पड़ा वो एक ओपिनेटेड वो आइडिया देते हैं। कभी कभी पुलिस के ऊपर भी स्ट्रेस बहुत होता है और कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, और गलतियाँ होती हैं तो पुलिस में एक्शन लिया भी जाता है। और मैं आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू द कमेंट्स। सर अक्सर कश्मीरी आज़ादी मांगते हैं, क्या उन्हें आज़ादी नहीं है? अब इस सवाल का क्या जवाब दूं, मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत है। ये आज़ादी, कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पे बहुत आज़ादी है। मैं 2014 में वहाँ पे गया था, बहुत ही आज़ादी थी, और कश्मीर के लोगों के साथ ही मैं वहाँ पे घूमा, बहुत ही आज़ादी थी, आज़ादी की ऐसी कोई तकलीफ नहीं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सो टू से कि आज़ादी नहीं, आज़ादी बहुत है, और मेरे ख्याल से उसमें कोई, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे कश्मीर है, जैसे तमिलनाडु है वैसे कश्मीर है, इसमें फ़र्क क्या है? आज़ादी कौन सी आज़ादी चाहिए? और वहाँ के बच्चे, तो मैं जो 2014 में गया था तो मैं वहाँ से बच्चों से पूछता था कि तुम क्या करना चाहते हो, बोलता था मैं IAS बनना चाहता हूँ, या कोई बोलता था मैं इंजीनियर बनकर बैंगलोर में काम करना चाहता हूँ, इस तरह की बातें होती थी। तो बहुत सारे लोग बाहर भी, कश्मीर के बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में, नोएडा में, हैदराबाद में बहुत सारा काम कर रहे हैं, और दे आर यंग टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स, एंड वी शुड इनकरेज दैट कश्मीर के लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा माहौल हो वहाँ पे। हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है, और हिंदुस्तान जैसे देश का हिस्सा होने के लिए किसी के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लोग हों या तमिलनाडु के या कश्मीर, सबके लिए गौरव की बात है, और हिंदुस्तान सबको लिए एक सेकुलर कंट्री है, सारे धर्मों को। कश्मीर की जो जानी मानी शैव परंपरा है, वहाँ की जो एक बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल वो थी सेंट, वो लल्ला रुख, वो शिव की आराधना करती थी। वो तो बात, इतनी बातें हैं कि क्या क्या बातें हैं कि यहाँ हिंदुस्तान तो इतना खूबसूरत है, और कोई कह रहा है कि सर UPSC को क्रैक करने में हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या रहा? अरे यार पढ़ाई करो, एजुकेशन सिस्टम तो जो है सो है, पढ़ाई करो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, सही किताबें ले लोगे तो पास हो जाओगे। उसमें एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? किताबें सही रखो, सही तरीके से पढ़ाई करो, और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करो कि तुम्हें ही करना है और कोई नहीं करेगा। एजुकेशन सिस्टम आपको पास नहीं करवाएगा, या यूनिवर्सिटी पास आपको नहीं करवाएगी, कोई नहीं करवाएगा, आपको पढ़ना है, आपको करना है। मैं बताऊं, मैं जब बीटेक पास कर लिया तो बहुत सारे लोग दिल्ली जाते थे, तो मैंने कहा यार मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, मैं बनारस में रहूँगा। और मैंने कहा अगर मुझको फिजिक्स नहीं आता और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं आता तो मुझे कोई पढ़ा नहीं पाएगा, और मुझे यकीन था कि मुझे आती है फिजिक्स थोड़ी बहुत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी थोड़ी बहुत आती है, और मैं मेहनत करूँगा तो यहीं से पास कर लूँगा, अब दिल्ली में जाके मुझे ज़्यादा फिजिक्स नहीं आने पड़ेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कब आना होगा? सर मैं आदित्य जी, मैं आता ही रहता हूँ, BHU तो बनारस तो हर साल आता हूँ, इलाहाबाद भी पिछले साल आया था। और NRC क्या देश हित में है? अब ये सब गवर्नमेंट के निर्णय है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही होगी, मैं उसके बारे में आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, गवर्नमेंट्स डिसीजन आर बाउंड टू ऑन मी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। प्रदीप जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और सूफी परंपरा के बारे में आई थिंक ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन दैट, और हम आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू प्रदीप जी, एंड वीड लाइक टू कनेक्ट यू विद बुद्ध से कबीर तक मूवमेंट, बिकॉज हम लोग चाहते हैं बुद्ध से कबीर तक, बुद्ध से कबीर तक मूवमेंट में मैं बात करते करते बताऊँगी, बहुत सारे युवा लोग आप जैसे उसमें जुड़े हुए हैं, एक धार्मिक ये ग्रुप नहीं है, ये सामाजिक मूवमेंट है जो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की बात करता है, समाज में भाईचारे की बात करता है, और साझा संस्कृति की बात करता है, प्रेम की बात करता है, और ऐसे ही इसीलिए इस तरह के संकेत लिए
गए हैं, और बहुत सारा हमारा एक बैंड भी है बुद्ध से कबीर तक बैंड, आप अगर सर्च करिएगा यूट्यूब पे मिलेगा, फेसबुक पेज है हिंदी में बुद्ध से कबीर तक, अंग्रेजी में भी बुद्ध से कबीर तक आप लिखिएगा तो एक फेसबुक पेज है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं आपके बनारस के, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ के, एक प्रोफेसर मधुमिता भट्टाचार्य जी हैं यूनिवर्सिटी की, वो जुड़ी हुई हैं, प्रशस्ति तिवारी जी अभी आपके साथ यहाँ पे थी, वो कथक करती हैं कबीर पे, वो जुड़ी हुई हैं, गजेंद्र पांडे जी भी इसमें जुड़े हुए थे, वो बनारस के हैं, और इंदौर की अंजना जी उसमें जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से मेधा जी का ग्रुप जो भक्ति वर्सिटी वाला, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टैलेंट, और नए नए बच्चे रोज जो म्यूज़िक में, आर्ट में, थिएटर में, इवन क्रिएटिव राइटिंग में जो बच्चे हैं वो उसमें जुड़ रहे हैं। एक्सीलेंट, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है, बहुत खूब, कोई भी धर्म खतरे में नहीं है जलद जी, इंडिया इज सच ए स्ट्रांग ट्रेडिशन। आप ऐसे देखिए यहाँ पे इस्लामिक रूलर्स कितने सैकड़ों साल तक रहे, और कबीर 1415वीं शताब्दी में यहाँ पे थे, और कबीर ने सबको धोया है, कबीर ने सबको धोया, और हिंदुस्तान में धोने की परंपरा आ रही है, मैं बता रहा हूँ, अलग अलग समय पर कबीर का वर्जन हर जगह रहा है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात रही, हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक लोग थे वही समाज सुधारक थे, अगर आपको नाम लूँगा तो आपको नानक भी समाज सुधारक थे, वासव गोरखनाथ, ये लोग समाज सुधारक भी थे साथ साथ, ये सिर्फ आध्यात्मिक लोग नहीं थे। गोरखनाथ ने इतनी बड़ी बात कर दी कि मुस्लिम योगियों को अपनी परंपरा में जोड़ा, कबीर जाति पात पूछे नहीं कोई वाली बात थी, उनके लिए धर्म निरर्थक था, वो कहते थे वो जो ईश्वर की उनकी परिकल्पना थी उसके लिए धर्म का कोई मायने ही नहीं था। तो ये देश जो, तो धर्म को खतरा कहाँ से, जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया, इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया तो लोग बहुत आशंकित थे क्या होगा, इस्लाम एक ईश्वरवादी, हमारा देश मूलतया बहुदेववादी देश था, और फिर क्या हुआ, फिर एक तरीके से लोगों के अलग अलग विचार है, लेकिन मैं जिस तरीके से देखता हूं कि शंकर का अद्वैत वेदांत आता है वो भी एक ईश्वरवाद है, उसी समय करीब करीब आता है, सूफी और भक्ति परंपरा पैरेलल में चलती है, मैं तो एक ही मानता हूँ, खाली यही मानता हूँ कि हिंदू में उसको भक्ति परंपरा बोलते हैं और उसमें सूफी परंपरा बोलते हैं, कंटेंट एक ही है। और आज भी पाकिस्तान में अभी वहाँ पे मैं नाम भूल रहा हूँ, कराची में एक आर्टिस्ट है, वो हद अनहद एक फिल्म बनाई है शमना मिरमानी ने, वो कबीर को वहाँ पे फॉलो करा है, वो जो पाकिस्तान की गायिका हैं, वो क्या नाम है, बहुत ही जानी मानी थोड़ी मोटी सी हैं, वो कबीर को गाती हैं, वो बहुत ही प्यारा गाया है, आप YouTube पे जाके सुनिए। तो ये तो प्रेम की चीज़ें हैं ना, मैं आपको गीत सुनाता, इसमें ये मीडियम पे शायद हो नहीं पाएगा, एक बुल्ले शाह का गीत जो है भोपाली में जो है एक लड़की ने गाया, आज की तारीख में लाहौर में इस तरह के, और उसमें जोगी शब्द उस गाने में बार बार जोगी शब्द आता है, तो ये सोचिए कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज अपनी जगह पे हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रेम और ये सब चीज़ें हैं दिस यूनिवर्सल, और इसीलिए गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर में थोड़ा सा डिफरेंस इस इशू पे था, गांधी नेशनलिस्ट थे, रविन्द्रनाथ टैगोर इंटरनेशनलिज्म में मानते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर उससे आगे थे, वो प्रेम की भाषा समझते थे, गांधी भी समझते थे, लेकिन उस समय अंग्रेजों से आज़ादी एक ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी और गांधी उसके लिए लड़ते थे। सर आपका रुझान प्रशासनिक सेवा में था या कोई टीस थी? नहीं भाई, हमें कोई रुझान भी नहीं था और कोई टीस भी नहीं था, हम तो ज़िंदगी को मजा करना चाहते थे। मैं बताऊं, इलाहाबाद से शिफ्ट करने का एक और भी कारण था, जो आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि सब लोग इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद से मेरा खुद का बहुत लगाव है, इलाहाबाद में पढ़ाई लोग बहुत करते थे और मैं दुखी हो गया था उस पढ़ाई से, इतनी ज़्यादा पढ़ाई एएनजा हॉस्टल में लोग करते थे, मैंने कहा यार पढ़ाई ही जिंदगी थोड़े होनी चाहिए यार, थोड़ा कुछ और तो होना चाहिए। शुभम जी पूछ रहे हैं धर्म क्या है, बड़ा मुश्किल सवाल है धर्म, अगर हम जैन दर्शन को कोट करें, राइट थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, बुद्धिज्म को कोट करें अष्टांगिक मार्ग, वेदांत को कोट करें यम है, यम के सिद्धांत है उसको फॉलो करिए। तो हमारे यहाँ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से धर्म को डिफाइन किया है, जो धर्म आपको अच्छा लगता है वो चुन लीजिए, और आपको नहीं कोई अच्छा लगता है तो नास्तिक हो जाने की भी छूट है। वो अयोध्या वाली किताब कोई पूछ रहा है, वो पता नहीं वो छपी भी है कि नहीं, लेकिन उसके बारे में बीच में चर्चा कहीं मैंने पढ़ी थी। सर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ कोई यादगार लम्हा
बताएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपने कौन सा विषय पढ़ा? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वहाँ पढ़ी थी। किसी ने कहा कि आप मैथिलीशरण गुप्त की किसी किताब, मैंने किताब पढ़ी नहीं है। ऋचा कह रही साझा संस्कृत को सहजने में युवाओं की जिम्मेदारी, बिल्कुल हमें हर आदमी को, थोड़ा सा मैंने बात की, लेकिन देश को अगर मजबूत करना है तो यहाँ की साझी संस्कृत को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ की जो हमारी परंपरा रही है वो साझी संस्कृत की परंपरा रही है और उसके सिवा वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इसीलिए नहीं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए इसलिए देश मजबूत, वो बड़ी खूबसूरत है। वो खूबसूरती कहीं संगीत ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, संगीत में ख्याल स्टाइल कब आया है, कैसे आया है? हमारी ओरिजिनल स्टाइल ध्रुपद की थी और वो इवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहा है। ये ठुमरी और ये सब कजरी, ये सब क्या इवोल्यूशन ही है। अलग अलग परंपराओं का शब्द बहुत सारे आ गए। नहीं इन्होंने कहा रूना लल्ला के, नहीं लल्ला रुक की बात, रूना लल्ला बांग्लादेश की हैं, ये कश्मीर की। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात, धीरेंद्र जी हमारे बनारस के बहुत ही प्रिय मित्र, उन्होंने कहा कि भारत में आकर मुसलमान कुछ कम मुसलमान हो गए और भारत का हिंदू तो हमेशा से उदार हृदय रहा, बशर्ते कोई जहर का बीज न हो। बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत है, जहर बोने बीज जहर का बीज बोने वालों को थोड़ा दूर रखें तो बात। मंजीत बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू, मेरे पास काफ़ी वक्त हो गया। राजीव भारद्वाज यूपीएससी इंटरव्यू और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग से बात कर लेंगे। इंटरव्यू आप सहज रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और जो कुछ भी जानते हैं उसको समझने की कोशिश करिए, ईमानदार रहिए और ऑफ कोर्स थोड़ा ब्रॉड बेस्ड आप रहिए, कुछ हेल्दी हॉबीज़ रखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बयान से बॉर्डर के जिले विशेषकर सिद्धार्थनगर और नेपाल के बीच रोजी बेटी के संबंधों का भविष्य में, ये बहुत दुखद जो हो रहा है, बहुत दुखद हो रहा है। ईश्वर सबका है, सारी दुनिया का ही है। राम जो कबीर का राम था वो पूरी दुनिया का था, हिंदू मुस्लिम उसमें कहीं थे न, देश कहीं नहीं थे, सबका राम है। इस तरह की बातें कि नेपाल का है, हिंदुस्तान का है, वो सब बचकानी बातें हैं। और मेरे ख्याल से नेपाल और हिंदुस्तान दोनों के लोग बहुत ही मेच्योर हैं और एक जैसी संस्कृति है और वो संस्कृति में हम जानते हैं कि इस तरह की बातें कुछ लोग आते हैं कर देते हैं। और हमारे पास इतनी ताकत है हमारी विरासत के पास, चाहे नेपाल हो, नेपाल भी एक सेकुलर देश है और हिंदुस्तानियों से बहुत प्रेम करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, नेपाल के लोग हिंदुस्तान के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि हमने जब लुम्बिनी में यात्रा निकाली थी वहाँ के लोगों का प्रेम देखने लायक था, इतनी इज्जत करते हैं वहाँ का, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वहाँ के लोग हों, बहुत इज्जत करते हैं और हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच में प्रेम के सिवाय कोई संबंध की जगह नहीं है। कोई भी गलतफहमी हो, नफरत हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। और सर जी दुबई में हिंदू जल नहीं चढ़ा सकता तो क्या बताए मुस्लिम का लाया मिट्टी नीम? अरे यार तुम ऐसे गलत लोगों से तुलना क्यों करते हो? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। आप हिंदू दुबई में क्या करते हैं और कजाकिस्तान में क्या करते हैं उससे नहीं तुलना करो। आप भोपाल में क्या करते हैं और भुवनेश्वर में क्या करते हैं? हम बड़े देश हैं, हम एक बड़ी परंपरा है, वी आर अ ग्रेटर हायर ट्रेडिशन, इंडिया इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, टेक प्राइड इट, डोंट कंपेयर विद द कंट्रीज विच आर अंडर डेवलप्ड कल्चरली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, उनसे तुलना क्यों करते हो आप? फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी में, उस घटना के बारे में मुझे पता नहीं है सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट जनरली आई वुड से डोंट कंपेयर विथ योर सेल्फ विद अ फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी और अ फंडामेंटलिस्ट कंट्री। हम वी आर अ सेकुलर कंट्री, वी शुड नॉट कंपेयर आवर सेल्फ विद अ, वो जो कहते हैं ना कि जो थियोलॉजी वाले देश हैं जहाँ पे धर्म से ड्रिवन गवर्नेंस होता है। वी आर अ सेकुलर कंट्री, वाई शुड वी कंपेयर आवरसेल्फ्स? वी आर अ मच, इतनी बड़ी ट्रेडिशन है यार, ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी ट्रेडिशन थोड़ी हिल जाएगी। कौन क्या ये कर देता है वो नहीं कर देता है उससे थोड़े हो जाता है। आप बचपन में नहीं गए, आपकी माँ मंदिर जाती थी तो आप कहते नहीं मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, मुझे सिर्फ लड्डू खाने में इंटरेस्ट है, तो क्या आपका भगवान से लगाव कम हो जाता था? और
और जस्ट आई विल स्क्रॉल, आई एम सॉरी, आई थिंक वी आर ऑलरेडी लेट। हमारे यहाँ धर्म की परंपरा है, धार्मिक निरंतरता है, धार्मिक निरंतरता जनक और यादव बल्क से शुरू होकर विवेकानंद, याज्ञ बल्क से शुरू होकर विवेकानंद तक आती है, और धर्म का आशय है विविधता और बहुलता, जिसको हम कहते हैं सत्य एक है विविध रूपों में व्यक्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यही धर्म, धर्म को परिभाषित करेंगे तो उससे संकुचित बनाएंगे, संकीर्ण करेंगे, धर्म को परिभाषित नहीं किया सकता। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुली डिस्क्राइब, परिभाषित करने का मतलब सीमाओं में बांधना, और खास करके भारत का धर्म तो सीमाओं में बांधा ही नहीं, खुला हुआ है, खुला हुआ जीवन है, इसको एंजॉय करिए। यहाँ धर्म किसी बिल्डिंग्स में, किसी पूजा की जगहों में सीमित नहीं है, धर्म लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और उसको एंजॉय करिए, इसको बांटने में और सीमित करने में। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लिखा है। ये किसने लिखा है? अनूप कुमार गुप्ता जी ने। वंडरफुल, वंडरफुली यू हैव रिटन, यू प्लीज राइट सच थिंग्स ऑन बुद्ध से कबीर तक पेज, वील बी वेरी हैप्पी। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन हु सेवर कैन बुद्ध से कबीर तक, इफ़ यू आर कन्विंस विद दिस आइडियोलॉजी प्लीज ज्वाइन। और मैं ये चाहूँगा कि आज ये जरूरत है कि आज हम ब्राह्मण हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, उससे आगे बढ़ करके हम कहें कि हम मानवता के सिपाही हैं, और मानवता के सिपाही अगर आप हैं तो आप बुद्ध से कबीर तक में आइए और कहिए कि है, हमें धर्म और जात की जरूरत नहीं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और धर्म, ये जो अभी अनूप सिंह जी ने कहा, वो धर्म है, खुला हुआ धर्म, वो कुछ करने या कुछ न करने से वो धर्म कम या ज्यादा नहीं हो जाता, धर्म आस्था है। बुद्ध से कबीर तक आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा आदित्य गुप्ता जी, और नहीं तो आप मुझे फेसबुक पे आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, आई विल कनेक्ट यू। हूएवर वांट्स टू कनेक्ट विद मी, डॉक्टर जलस दीक्षित, इट विल बी माय प्लेजर, प्लीज़ सेंड रिक्वेस्ट। युवाओं का अपराध की तरफ बढ़ना, झुका, उनके पीछे कारण क्या है? ये इट इज़ अ वेरी सोशियोलॉजिकल रीजन, देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स रिस्पेक्ट फॉर वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर गुंडाज इन द सोसाइटी, वो सब चीज़ें हैं जो कि वो सब जो चीज़ें हैं वो कभी कभी क्रिमिनैलिटी की तरफ ड्राइव करती है, लेकिन वो गलत हैं। रितेश जी कह रहे हैं, आप सोचिए कि सर वर्तमान की नेटिजन पीढ़ी धर्म के खतरों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, उनसे सेकुलरिज्म व मध्यम मार्ग पर बात करना मुश्किल हो गया है। रितेश जी, आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, जो रिजिडिटी की मैंने बात शुरू में की थी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमें अपना जो ये कहते हैं हमारी संस्कृति का जो बल है, जो मजबूती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, और ये देश इतना खूबसूरत है, इसको हम इसकी खूबसूरती को गंवाना भी नहीं चाहते। कुछ भी होगा, हम लड़ करके इस देश की खूबसूरती को बाहर रखेंगे। ये जो साझी संस्कृति और एक महान परंपरा है, विविधतापूर्ण जो परंपरा है, उसको हम जाने नहीं देंगे, और ये सब हमके लिए, हमारे सबके लिए चैलेंज है कि हाउ वी रिट्रीव आवर ब्यूटीफुल कंपोजिट कल्चर। एंड आई कैन टेल यू दैट इट इज़ जस्ट अ पासिंग फेज, एंड ग्रेजुअली पीपल रियलाइज, बिकॉज हिंदुस्तान के लोग जो है प्रेम में यकीन करते हैं, प्रेम यहाँ का एक इटर्नल परपेचुअल एक धर्म रहा है, जो सभी धर्मों या सभी फेथ से ऊपर रहा है। और आदित्य गुप्ता जी ने जोड़ लिया, सर मोहमाया क्या है? वेदांत पढ़िए खुशबू जी, वेदांत पढ़िए, मोहमाया की बात वेदांत में है, और वो कहते हैं कि ब्रह्म एक है, वही सत्य है, वही सब कुछ है, दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, और ये दुनिया दिखती है वो माया है, इल्यूजन है, और इल्यूजन है, और वो कहते हैं कि आभासिक लेवल पे रहते हैं, अज्ञान से आप ग्रस्त रहते हैं तो आप सत्य को या ब्रह्म को नहीं समझ पाते हैं, वो जब आप परमार्थिक लेवल पे जाइएगा, आप जब आपका ज्ञान दूर हो जाएगा, जब आप परमार्थिक लेवल पे जाइएगा, तो आप जो है आप मोह माया का समझ जाइएगा। मैं ज़्यादा इस, ये बहुत ही फिलोसफिकल चीज़ें हैं, और थोड़ा सा आप किसी फिलोसफी के मित्र से अपनी मदद लीजिएगा तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। ये थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है ये फिलोसफी का, और जैसे ऐसा विभव जी कह रहे हैं कि एक ऐसा देखा गया कि जिस देश में एक खास संप्रदाय की जनसंख्या बहुमत में ही जाती है, फिर वो धार्मिक देश क्यों बन जाता है? नहीं, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन कोई ये धार्मिक देश नहीं बना है, ये सेकुलर देश है, हर धर्म के लिए उतना ही है। वो उस देश की अपनी ताकत है, अपनी सोच है, कितना खुलापन वहाँ की संस्कृति में रहा है, और हिंदुस्तान को कभी भी ज़रूरत नहीं रही, हिंदुस्तान को कभी ज़रूरत नहीं रही कि किसी एक खास धर्म का ये देश बने। यहाँ पे सब लोग प्रसन्न हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
और आप गोल्डन टेम्पल जाइएगा तो कहा जाता है वहाँ पे चार जो द्वार बने हुए हैं वो सारे धर्मों के लिए एक एक द्वार रखा गया है। ये इतनी इतना खूबसूरत देश है कि सबके लिए। सर जी, जब देश का राजा मुस्लिम था तब हिंदू धर्म खतरे में। अभी थोड़ी पॉलिटिकल बातें हैं, ये सारी बातें आप लोग समझते हैं, मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं। अपना अपना जजमेंट उस सब चीज़ों पे बनाइए और हम इस देश के जो संविधान के मूल्य हैं जिसमें सबके लिए बराबर हक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, उस सिद्धांतों पर हमारा देश आधारित है जिसको हम संवैधानिक राष्ट्रवाद कहते हैं। हमारा देश किसी धर्म के राष्ट्रवाद पर आधारित नहीं है, इस्लाम या हिंदू। हमारा जो देश है वो संविधान पर आधारित है, उसको संवैधानिक राष्ट्रवाद बोलते हैं और उसको हमको संवैधानिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। ये सब हम आप लोग तय करें कि इस देश की खूबसूरती संवैधानिक राष्ट्रवाद में है और संविधान के सिद्धांत जो हैं, जो बराबरी के सिद्धांत हैं, न्याय के सिद्धांत हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, गांधी ने दिया, नेहरू ने दिया, पटेल ने दिया और पूरी हमारी संस्कृति ने दिया, 5000-6000 सालों की संस्कृति ने दिया, वो हमारा संविधान है, उसको हम मजबूत। अनूप जी, अब ये मेरे ख्याल से कठिन विषय है, अब्राहम परंपरा की बात करते हैं। जितेंद्र जी कह रहे हैं, गांधी जी ने कहा था लक्ष्य के साथ साथ प्राप्त करने के साधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती हैं और गांधी ने 1922 में जब वो चौरी चौरा की घटना हुई तो अपना जो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू करने वाले थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था, और नेहरू और सब जिन्ना सब लोग उनके पास गए थे कहने के लिए कि गांधी जी, वो गांधी फिल्म में है कि गांधी जी यही सही समय है, लोहा गर्म है और स्ट्राइक करिए, और गांधी जी ने कहा था ये नहीं हो सकता, मैं उन पुलिस वालों विधवाओं को जाके क्या कहने वाला हूँ, हिंसा से प्राप्त हुई आज़ादी जो है वो आज़ादी नहीं होती, वो आप फिल्म देखिएगा। और एक और गांधी का कोट इसी बात पे मुझे याद आया, साझी संस्कृत की बात हो रही थी, गांधी उसी फिल्म में एक दृश्य आता है जब नोआखली में दंगे होते हैं और गांधी जी गाड़ी में जा रहे हैं, उनके साथ में नेहरू हैं और लोग हैं, और वहाँ पर दंगाई लोग खड़े हैं और नेहरू गांधी उसमें कहते हैं कि मैं, तुम जो लोग कर रहे हो उससे मेरा दिल दहल जाता है, जनता दुखी हो जाती है, लोग डर जाते हैं, मैं, वो कहते हैं गौर करिएगा, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, पारसी हूँ और तुम में से हर एक है। हिंदुस्तान का हर एक आदमी कोई एक धर्म का नहीं होता, हिंदुस्तान का हर आदमी पे कुछ न कुछ सारे धर्मों का असर है। मैं जानता हूँ कि मैं जब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, छोटा था, 17-18 साल का बच्चा था, तो भी बुद्ध को इज्जत करता था, महावीर को इज्जत करता था, प्रॉफिट की इज्जत करता था, ईसा मसीह की इज्जत करता था। हिंदुस्तान की परंपरा रही है, हिंदुस्तान का हर आदमी, परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन हिंदुस्तान के हर आदमी पे हर धर्म का प्रभाव है और वही हिंदुस्तान की ताकत है, वही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सर, सोशल एंड कल्चरल स्पेस इज नाउ बीइंग इन्वेडेड बाय पॉलिटिक्स, ह्यूज नीड टू रिट्रीव रेस्ट इट बैक, दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम। विशाखा, आई थिंक यू हैव पुट इट वेरी वेरी ब्यूटीफुली। आई थिंक आवर सोशियो कल्चरल स्पेस हैज बीन कैप्चर्ड बाय पॉलिटिक्स। आवर यंगस्टर्स, आवर स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर, दे टॉक ओनली अबाउट पॉलिटिक्स, दिस और दैट। आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट, पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी, वन हैज टू हैव पोलिटिकल लीनियज, पोलिटिकल एफिलिएशंस, बट फ्रॉम द सोशियो कल्चरल स्पेस पुश पॉलिटिक्स असाइड and create a space for dialogue, cultural activities, social activities, you know, invoke Madhyam Marga Buddha, have discussions, negotiations, there are differences, sit together, talk it out, reach a settlement. अगर नहीं होता, गांधी से, मैं अभी गांधी जी को quote कर रहा था, गांधी जी की असहमतियाँ आप देखेंगे, असहमतियाँ पे असहमतियाँ, नेहरू से असहमति है, सुभाष से असहमति, लेकिन कभी उन्होंने बात करना बंद नहीं किया। आई थिंक वी हैव टू पुट पॉलिटिक्स आउटसाइड ऑफ सोशियो कल्चरल स्पेस टू सम एक्सटेंट सो दैट वी कैन रिटेन सैनिटी। वेरी वेल टोल्ड विशाखा, आई थिंक दैट इज नीड ऑफ द डे। थोड़ा सा वही मैं शुरू में स्टूडेंट्स को कह रहा था कि जो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट जो है पॉलिटिक्स को, वो थोड़ा सा कम करिए। आई थिंक देर आर मच मोर ब्यूटीफुल, पॉलिटिक्स इज इम्पॉर्टेंट बट देर इक्वली मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, इन आवर सोसाइटी, कल्चर, सोसाइटी रिलेशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो
तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड, आई हैव टॉक्ड एनफ, 1.5 घंटे करीब बात हो गई है. मैं जो है, आई वुड लाइक अगेन, आई लाइक थैंक रजत, आई वुड लाइक टू थैंक अंकित, एंड आई वुड लाइक थैंक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हु हैज ज्वाइंट टुगेदर. इट वॉज रियली रियली अ वेरी वेरी इंटेंस इंटेंस सेशन. योर क्वेश्चंस आर रियली, यू नो, मेड मी हैप्पी. इट वॉज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस टू माई टॉक. और आप लोगों ने ये बात की, मुझे खुशी हुई. और खास करके जिंदगी का जो समय मैंने इलाहाबाद में गुजारा था, आई ऑलमोस्ट लिव्ड थ्रू दैट एक्सपीरियंस वंस अगेन. एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद मी पर्सनली और बुद्ध से कबीर तक, यू आर मोस्ट वेलकम. विल कीप इन टच. आई विल विश यू, शुभम जी कह रहे हैं कि आप मनोहर मुली में जोशी सिर्फ क्लास अटेंड कर. नहीं, मैंने नहीं किया था, लेकिन NKS गौर का किया था. वो मुझे मैकेनिक्स पढ़ाते थे, दैट आई कैन टेल यू. और यू नो, इट हैज़ बिन रियली रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फेसबुक फोरम. एंड आई विश ऑल ऑफ यू फॉर अ ब्रिलियंट कैरियर फॉर यू. एंड यू नो, यू डेवलप कैपेसिटी टू सर्व दिस नेशन. दिस नेशन इज़ ब्यूटिफुल. एंड यू नो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड रियलाइज एंड स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन आवर हेरिटेज. हेट्रेड, प्लीज रिमूव हेट्रेड फ्रॉम सोसाइटी. प्लीज रिमूव एग्रेशन. इनिशिएट स्पिरिट ऑफ डायलॉग, टॉकिंग, लव, लिविंग टूगेदर, कंपोजिट कल्चर, ट्राइंग टू लर्न, यू नो, अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू. आई थिंक दैट विल मेक दिस कंट्री रियली ग्रेट. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स ऑल ऑफ यू. जय हिंद.